जो ऑप्शन थे उनमें ज्यादा था। ठीक है, तो अभी ये आखिरी क्वेश्चन है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये आपका सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है 0.9 एम्पियर पर वोट। इसका मतलब अगर अगर आपने 1 मिली वोट का पावर डाला तो इसका मतलब इसके अंदर से 0.9 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा, मतलब P2N 0.9 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा अगर आपने 1 मिली एम्पियर का पावर डाला। तो ये 0.9 मिली एम्पियर इसमें से करंट जाएगा, तो आपका वी नोट कितना आ जाएगा, माइनस का 0.9 मिली एम्पियर इंटू आर। ठीक है, और वी नोट की वैल्यू क्या है, -1, -1 इक्वल्स टू 0.9 मिली एम्पियर इंटू आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/0.9, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.1 किलो ओम के इक्वल है। ठीक है, तो ये डी आंसर आ गया आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आपने देखा कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को आर से गुजार दिया, उसके हिसाब से वी नोट का एक्सप्रेशन लिख दिया, वी नोट की वैल्यू गिवन थी -1, उसको -1 की इक्वेट कर दिया तो 1.1 किलो ओम आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो आसान क्वेश्चन था ये, तो ये 2012 के सारे सोल्यूशन पूरे हो गए। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अब गेट 13 के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन कॉमन थे कुछ कुछ इसी इलेक्ट्रिकल आयन में, तो उसके कारण मेरे को शायद या तो एक ही वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर मैं शायद दो पार्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो आपको वी आउट का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप यहाँ पे देखो कि ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा या नहीं होगा, पहले ये देखना जरूरी है। तो ये देख लो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 5 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है मीटर में, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसका मतलब ये ऑन है। अब ये सेचुरेशन में भी हो सकता है और लीनियर में भी हो सकता है। ठीक है, ये सेचुरेशन लीनियर किसी में भी हो सकता है वो पता नहीं है, लेकिन हाँ शायद इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये लीनियर में। ठीक है, यहाँ पे जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो, तो ये वी बी शॉर्टेड हो गया, ये लीनियर रीजन में है। ठीक है, लीनियर रीजन में है और तो ये ऑन हो गया, यहाँ पे कितना है जीरो, यहाँ पे कितना है 0.7, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई, -0.7। ठीक है, आउटपुट की वैल्यू क्या गई, -0.7। अगर ये ऑफ हो जाता, मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाती अगर, और ये ऑफ हो जाता तब आपका आउटपुट क्या आता, -15 आता, क्योंकि ऑफ हो जाता तो कोई फीडबैक नहीं रहता, ये 5 यहाँ पे लग जाता, ये 5 यहाँ पे लगता तो फिर ये 5 यहाँ पे लगता तो फिर ये आउटपुट क्या आता, -15 आ जाता। ठीक है, और अगर यहाँ पे वी 5 वोल्ट की जगह -5 वोल्ट दिया होता, तो 5 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे जाती, अगर -5 दिया होता तो 5 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे जाती, फिर ये ओ होता, अभी ये ओन है 1, फिर ओ होता, तो यहाँ पे -5 लगा हुआ है और यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो फिर आंसर क्या आता, +15 आता। ठीक है, फिलहाल -0.7 है वरना +15 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना है कि ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, उसके बाद ये ऐसे इक्वेशन लगानी है, अगर ऑफ हुआ तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते आप। ठीक है, इसमें देखो कौन सी सैम्पलिंग हो रही है, साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है, क्योंकि आपका जो वी एफ है वो क्या है, के वी नोट, तो ये आउटपुट पर डिपेंड है, तो ये क्या हो रही है, वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है यहाँ पे, वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है और वोल्टेज ही मिक्सिंग हो रही है ना, वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है V1, वो वोल्टेज का ही पार्ट है, इनपुट वोल्टेज का पार्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ, वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इनपुट हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीजेज एंड आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीजेस। ये क्यों हाई होता है, क्यों लो होता है, इसका मैं रीजन बहुत बार बता चुका हूँ, हाई इसलिए हुआ क्योंकि इनपुट की तरफ आपको एम्पलीफायर में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज एम्पलीफाई हो सके, तो इनपुट रेजिस्टेंस हाई रखोगे आप, अब आपको लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए फाइनल में, तो आप आउटपुट रेजिस्टेंस का रूल कम से कम रखोगे ताकि लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए हाई और लो। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें नी करंट की वैल्यू दी है ना, ये नी करंट है, IZ मिनिमम है, IZ मिनिमम 10 मिली एम्पेयर है और ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, मिनिमम वैल्यू ऑफ RL बताना है और मिनिमम पावर रेटिंग बताना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था, मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर इट कैन टेक, मैक्सिमम पावर इट कैन टेक, मतलब बेसिकली किसी किसी भी डिवाइस पे अगर ऐसा लिखा हो कि इसकी 10 वोट पावर रेटिंग है, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर 10 वोट से ज्यादा आप पावर नहीं लगा सकते, 10 वोट से अगर ज्यादा पावर, 10 वाट से ज्यादा पावर लगा दोगे आप तो फिर वो डिवाइस जल जाएगा,
तो अगर पावर रेटिंग, अगर किसी डिवाइस की पावर रेटिंग लगी हुई है तो वो है कि मैक्सिमम पावर आप उतना लगा सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब है कि मैक्सिमम पावर की कितना ले सकता है, ठीक है। तो अब पहले तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल फाइंड कर लेते हैं। तो देखो आरएल की वैल्यू मिनिमम है, आरएल की वैल्यू मिनिमम है तो ये आई लोड जो होगा, देख यहाँ पे लिख देता हूँ, आरएल अगर मिनिमम है तो फिर आई लोड जो होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, और आई जेड जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट तो कॉन्स्टेंट है, तो अगर आई लोड मैक्सिमम है, ये वाला जो करंट है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो आई लोड अगर मैक्सिमम है तो आई जेड मिनिमम होगा। तो देख लो यहाँ पे ये अगर ब्रेकडाउन में गया तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा, तो उसके कारण यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 5/100 कितना, 50 mA करंट आ रहा है। और आई जेड मिनिमम की वैल्यू क्या है, आई जेड मिनिमम की है वैल्यू नी करंट 10 mA, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, 40 mA करंट जा रहा होगा। तो फिर यहाँ पे कितना है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये जो 5 वोल्ट दिया है, तो 5/RL इक्वल्स टू कितना है, 40 mA, ठीक है। तो RL की वैल्यू क्या आई, 500/40, तो कितना आया, 125 ओम, तो 125 ओम आ गया है। तो ये दो ओम तो कट गए, ठीक है। तो RL की वैल्यू आ गई है 125। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ RL मतलब मिनिमम, ये वेरिएबल है, ठीक है, RL वेरिएबल है। मिनिमम वैल्यू ऑफ RL का मतलब आई लोड मैक्सिमम, आई लोड मैक्सिमम मतलब आई जेड मिनिमम, आई जेड मिनिमम मतलब यहाँ पे मिनिमम करंट कितनी आई, जो 10 mA दी हुई है, 10 mA करंट निकाल दी, फिर यहाँ से 5/RL इक्वल टू कितना आ गया अपना, 40 mA, वहाँ से RL की मिनिमम वैल्यू आ गई। ये है मिनिमम वैल्यू। अब आपको मैक्सिमम पावर रेटिंग चाहिए, सॉरी मिनिमम पावर रेटिंग चाहिए मतलब मैक्सिमम पावर इट कैन टेक, मतलब तो आपकी जो मिनिमम पावर रेटिंग होगी वो क्या होगी, मिनिमम पावर रेटिंग वो क्या होगी, वी जेड इंटू आई जेड मैक्स, ठीक है, वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। तो क्योंकि ये होगी जो मैक्सिमम पावर इट कैन टेक, ठीक है। तो जेनर की जो जेनर मैक्सिमम पावर इतना ले सकता है, वी जेड तो कॉन्स्टेंट है, 5 × IZ max, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आई जेड मैक्स चाहिए, इसका मतलब अगर आई जेड मैक्स चाहिए इसका मतलब आई लोड मिनिमम चाहिए, और आई लोड मिनिमम चाहिए इसका मतलब आई लोड मिनिमम कब होगा, जब आर एल इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल सर्किट इतना बचा, 10 वोल्ट, 100 ओम रजिस्टर और डायरेक्ट जेनर, बस इतना सर्किट बचा, ठीक है। और ये 5 वोल्ट है इसका ड्रॉप, और ये हो गया 10 वोल्ट इधर, क्योंकि ये हो गया, अब यहाँ पे आर एल क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5/100, ठीक है, 5/100 आ गई। तो ये है आपका आई जेड मैक्स, ठीक है। तो फिर आपका पी मैक्सिमम कितना आ गया, वी जेड की वैल्यू 5 है × 5/100, तो ये कितना हो गया, 5/10 × 5/100, तो ये हो गया 250 mW, ठीक है। तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो देखो इसके अंदर पहले तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वो दूसरे में क्या करना था, मिनिमम पावर रेटिंग बताना है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर इट कैन टेक। अब मैक्सिमम पावर लेना है इसका मतलब आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है क्योंकि वी जेड तो कॉन्स्टेंट है, आई जेड की मैक्सिमम लेनी है मतलब लोड में करंट मिनिमम जानी चाहिए। लोड में मिनिमम करंट कितनी जा सकती है, 0 जा सकती है, क्योंकि अगर आर एल इन्फिनिटी होगा, बहुत बड़ा होगा, तो लोड में 0 करंट जाएगी। जब लोड में 0 करंट जाएगी तो जितनी पूरी करंट आ रही है वो पूरी की पूरी, जो 50 mA करंट जो आ रही थी वो पूरी की पूरी इस जेनर से फ्लो हो जाएगी। तो 50 mA इंटू इसका वी जेड वैल्यू इंटू 5, तो कितना गया, 250 mV, ठीक है। ये बी ऑप्शन हो गया, आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, डेल वी बी अपॉन डेल आई डी, ये फाइंड करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ से देखने पे कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है वो फाइंड करना है आपको, यहाँ से देखने पे कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1/GM दिख रहा है, साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1/GM दिख रहा है। आर नॉट को इग्नोर करने को बोला है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को इग्नोर करना है, तो आर नॉट हो गया आपका इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ से 1/GM रेजिस्टेंस दिख रहा है, जीएम की वैल्यू देख लो, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी, वी जी एस क्या है, वी बी माइनस वी टी क्या है, 1, तो ये आ गया 40 μA। तो फिर आर नॉट जो 1/GM है वो क्या है, 1/40 MΩ, इसको 10³ किलो में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4/10 100/4, तो ये आ गया 25 किलो। तो
बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ से रेजिस्टेंस देखना था, वही पूछा था, रेजिस्टेंस देखना था, तो रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे, वन अपॉन जीएम दिख रहा है, जीएम की वैल्यू अपन ने निकाल दी, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू वाई एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी होती है वी एल की वैल्यू, सॉरी जीएम की वैल्यू, तो फिर वी जी एस वैल्यू निकाल दी 40 माइक्रो एम्पियर, इसका 40 माइक्रो एम्पियर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 40 माइक्रो महो, ठीक है 40 माइक्रो महो, ये जीएम की वैल्यू हो गई, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 25 किलो ओम आ गया, 25 किलो ओम आंसर हो गया बस। ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या करना है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इस वाला इसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से ग्राउंड के बीच में एक तो ये दिख रहा है आर एल 10 किलो ओम, यहाँ से ग्राउंड के बीच में आपको एक ये दिख रहा है 10 के, अरे इसको रेजिस्टेंस बनाना है, यहाँ से ग्राउंड के बीच में एक ये 10 किलो ओम दिख रहा है, और यहाँ से ये जो मॉस वाला दिख रहा है इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि वी इन आपका शॉर्ट होगा, क्योंकि सारे जो दूसरे सोर्स होते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तो केवल इतना रेजिस्टेंस दिखेगा। मतलब ये वाली बात आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ से कुछ क्यों नहीं आएगा, वी इन को शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से कितना करंट आता है, जीएम वीजीएस करंट आता है, अगर वीजीएस ही 0 हो गया तो यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा था 10 किलो ओम का, वो डायरेक्ट यहाँ पे 10 किलो ओम लगा रहेगा और यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा। मतलब इस वाले नोड पे आपको दो चीजें देखनी है, एक तो इस तरफ करंट और एक इस आरडी में, तो इधर कोई करंट ही नहीं आ रहा, तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, इधर करंट नहीं आ रहा मतलब इधर इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस तो मतलब ओपन सर्किट, तो बेसिकली 1 माइक्रोफेरेड के आस के अराउंड आपको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो ये दोनों 1 माइक्रोफेरेड के किस में है, सीरीज में है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आई करंट निकलती है तो ये आई करंट पूरे इसमें घूमेगी, है ना, अगर यहाँ से आई करंट निकलेगी तो इसमें आई ही करंट आएगी, 10 किलो ओम से जाएगी, दोनों 10 किलो ओम से आई करंट जाएगी, बेसिकली आपका ये सीन है, आप इन दोनों दोनों ग्राउंडेड है तो दोनों को आपस में जोड़ सकते हो ना, तो ये पूरा सेम इस तरह जा रहा है, तो ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 π × 20 K × इसकी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफेरेड, तो 20 K 1 माइक्रोफेरेड ऊपर गया 10^3, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 आता है, 8 हर्ट्ज, ये ध्यान रखिए आपको हर्ट्ज में पूछा था, ठीक है, तो ये आई गेस 8 हर्ट्ज आता है, मैं वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, हाँ तो ये 8 हर्ट्ज आता है, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ यहाँ पे कितना आया, 1 वोल्ट आया, तो इधर कितना 3 mA करंट फ्लो हो रहा है, ये सेम 3 mA करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये 3 mA करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा, नेगेटिव फीडबैक के कारण ये 4 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये इसका गेन कितना है, 1+RF/R, इसका गेन 2 है, तो अगर यहाँ पे इनपुट पे 4 लगा तो इसका गेन 2 है, तो इसके कारण आउटपुट पे 8 आएगा, या फिर सिंपल वोल्टेज डिवाइडर से कर लो आप, V0 × 1/1 V1/2 = 4, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वोल्ट, ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था एकदम, करंट देख लिया आपने, 1, 1, 2, 3 mA, 3 mA करंट, यहाँ पे 3 वोल्ट, 1, 3, 4, यहाँ पे 4, तो V0 की वैल्यू 8 वोल्ट, ठीक है। ये वाला भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको वैल्यू बताना है R2 का, और IC = आपको दे रखा है 1 mA, बीटा की वैल्यू हाई दी है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे 0 करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 3 × R2/R2+60, ठीक है, और इधर है 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप, तो यहाँ पे 3 × R2/R2+60 − 0.7, सब किलो में चल रहा है, तो यहाँ पे 0.5 किलो ओम लिख देते हैं, = 1 mA, समझ रहे हो आप, इतना वोल्टेज आया, 3 × R2 इसमें से −0.7 घटा दिया, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आ गया, इसमें अगर 500 का डिवाइड करोगे या फिर 0.5 का डिवाइड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 mA के, तो मिली को भी हटा देते हैं क्योंकि किलो में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 × R2/R2+60 = आया 1.2, तो यहाँ से आ रहा है 3R2 = 1.2R2+72, तो इसका मतलब 1.8R2 = 72, R2 = 40 किलो, ठीक है, तो R2 क्या आया, 40 किलो, ठीक है। इसके बाद आप रीजन ऑफ ऑपरेशन भी चेक कर लेना, देखो कैसे करोगे, ये आ गया 40 किलो ओम, तो इसका मतलब
आपके यहाँ पे आपको वीसी की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 3 वोल्ट। वी बी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 40/100 इंटू वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 40/100 इंटू 3, तो कितना आया ये, 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो वी बी की वैल्यू कितनी आई, 1.2 वोल्ट, और वी ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 - 7 0.7 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। तो देख लो एमिटर जंक्शन आपको क्या है, एन पी एन है, तो एमिटर जंक्शन क्या है आपका, फॉरवर्ड बाइज, और ये क्या है, रिवर्स बाइज्ड। तो अगर कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइज है और एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइज है, तो ये कौन सा रीजन हुआ, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन था, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन भी हमेशा चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। ये भी आसानी क्वेश्चन है, इन ये क्या लिखा हुआ है, वाई और जेड के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड मान लेता हूँ, तो वाई पे कितना पोटेंशियल है अपना, 100 sin ω, 1000 sin ω t। ठीक है, तो जब वी वी वाई लिखता हूँ मैं, वी वाई अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हुआ, ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो ये भी ऑफ हो गया और ये भी ऑफ हो गया। तो अब इसके पास कोई पाथ ही नहीं बचा करंट फ्लो करवाने का। देखो ये यहाँ से ये हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है ऐसे, और आगे ग्राउंड है, यही तो सीन है, इसको एसी मान लो। तो ये ऐसे बना है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गए। तो आपसे कोई यहाँ पे इन दो नोड के बीच में वोल्टेज पूछ रहा है, इन दो नोड के बीच में करंट ही कोई फ्लो नहीं होगा, क्या वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वी डब्ल्यू एक्स जो पूछा था अपन से, उसका वैल्यू कितना आया, 0 वोल्ट। अब वी वाई लेस देन 0 पे बात कर लो, लेस देन 0 पे अगर बात करते हैं, तो वो दोनों ऑन हो जाएंगे, ये दोनों ऑन हो गए, ये दोनों ऑन हो गए, ये दोनों ऑन हुए, लेकिन अब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जैसे ऑन हुए, तो यहाँ पे अच्छा ये दोनों भी ऑन होंगे एक्चुअली, हाँ ये दोनों ऑन होंगे। ठीक है, मैंने तो जैसे बताया, तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, सब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा सर्किट, ये 1 किलो में अपना जुड़ा है, यहाँ पे अपना बैटरी जुड़ा ही है, ठीक है, और यहाँ से ये ग्राउंडेड है, ठीक है, ये ऑन है, ये ऑन है, यहाँ पे अपना ये डब्ल्यू एक्स है। देखो ये क्या था अपना, वाई और जेड के बीच में बैटरी जुड़ा था, वाई और जेड के बीच में, यहाँ पे ऐसे ग्राउंडेड है, ये ऑन हुआ, तो ये ना ये आ गया, और ये भी ऑन है, तो ये जेड से जुड़े हैं ये दोनों डायोड, ये दोनों डायोड जेड से जुड़े हैं, तो ये 0 पे आ गए, तो ये सीन बना। ठीक है, अब आपका करंट तो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, करंट तो फ्लो हो गया, ठीक है, मान लो करंट फ्लो हो गया इसके अंदर, इस तरह करंट फ्लो हो गया, या फिर जो भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, एक्चुअली इसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेकिन आप पोटेंशियल देखो ना जरा, ये 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे, तो फिर वी डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। देखो आप ध्यान से देखो, आपको पॉजिटिव साइकिल का समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले दोनों डायोड ही ऑफ हो गए, जब दोनों डायोड ऊपर ऑफ हो गए तो कहाँ से पोटेंशियल आएगा, कोई पोटेंशियल नहीं आया। ठीक है, ऊपर वाले दोनों डायोड ऑफ हुए तो कोई पोटेंशियल नहीं आया, तो वी वी इसके ऊपर तो 0 आ गया, जब ये ग्रेटर देन 0 आया तब चारों डायोड ऑन हुए, चारों डायोड ऑन हुए, लेकिन यहाँ पे आपका 0 है, ये ऑन हुआ, तो जो ये 0 था ये ट्रेवल करता करता यहाँ पे पहुंच गया, और ये 0 ट्रेवल करता करता यहाँ पे पहुंच गया। अब आप कहोगे कि भैया कि करंट तो फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आएगा, और ये सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आएगा, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो फिर 0 ही आएगा, क्योंकि ये सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है, सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे, तो दोनों पे वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी एक्स है, तो वी डब्ल्यू एक्स कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, तो 0/4 वोल्ट। ठीक है, समझ गए आप, इसका आंसर 0/4 वोल्ट है। ठीक है, अब आयन की क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, आयन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आए, तो इसको अगली वीडियो में करते हैं। तो ये आयन के क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, कुछ इसमें आयन के कुछ क्वेश्चन कॉमन भी थे इसी इलेक्ट्रिकल में, तो वो मैं पिछली वीडियो में डील कर चुका हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं जो कॉमन क्वेश्चन थे। अब जो सेम क्वेश्चन नहीं थे, डिफरेंट जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है आपको, आर ई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो आप, तो इसकी कैलकुलेशन मेरी की भी होगी सारी। यहाँ पे कितना आएगा, 6/21 इंटू
टेन, ठीक है, तो ये सोल्व करने पे आता है 2.85, ठीक है, और इधर 0.7 का ड्रॉप है तो ये कितना आया, 2.85 है तो ये आ गया 2.15। तो अब 2.15 बाई आर ई इक्वल्स टू 2 mA, तो आर ई का वैल्यू यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना आ गया, 1 kΩ। ठीक है, अभी रीजन ऑफ ऑपरेशन चेक करते हैं। रीजन ऑफ ऑपरेशन चेक करेंगे तो आपके यहाँ से अगर 2 mA करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप आया, 3 वोल्ट का, तो ये कितने पे आ गया, 7 वोल्ट पे। ठीक है, 1.5 × 2 3 वोल्ट का ड्रॉप आया तो ये आ गया 7 वोल्ट पे। तो आपका वी सी है 7 वोल्ट पे, वी बी है 2.85 वोल्ट पे, और वी ई है 2.15 वोल्ट पे। ठीक है, अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। इमिटर जंक्शन किस पे है, पी पे ज़्यादा पोटेंशियल और एन पे कम पोटेंशियल, तो कौन सा है, फॉरवर्ड बायस। और ये कौन से पोटेंशियल पे है, ये किस पे है, एन पे ज़्यादा पोटेंशियल और पी पे कम पोटेंशियल, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, एक्टिव रीजन है जो कि सही है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 kΩ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, स्लू रेट पे क्वेश्चन है ये, आपको स्लू रेट की वैल्यू दी है और यहाँ पे कर देते हैं। आपको ये पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि ये पहले भी बताया मैंने, स्लू रेट शुड बी ग्रेटर देन डी वी नॉट बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो, स्लू रेट शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 2 πf ए इंटू वी आई। मतलब डी वी नॉट बाई डी टी को क्या लिख लिया, इसके मैग्नीट्यूड को जे ओमेगा वी नोट। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 πf, और इस एम्पलीफायर का गेन इंटू इनपुट वोल्टेज, तो ये क्या लिख दिया, 2 2 πf इंटू वी आई। ठीक है, तो स्लू रेट कितना है यहाँ पे, 0.8 × 10⁻⁶, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 π। फ्रीक्वेंसी अपन को फाइंड करनी है किलो हर्ट्ज में, इसका गेन कितना है, 470/22। ठीक है, गेन का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इंटू वी आई 0.25। देख रहे हो आप, इसका गेन कितना है, -R/R, 470/22। ठीक है, इंटू 2 π f की वैल्यू फाइंड करनी है, और इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है, हाइएस्ट मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, 0.25। तो यहाँ पे आ जाएगा f शुड बी लेस देन 23.84, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, कि f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 23.84 kHz। समझ रहे हो, बस आपको स्लू रेट वाला वो इक्वेशन जो मैंने बताया हुआ है पहले, आपको वो इक्वेशन लगाना है और कुछ नहीं करना। वो इक्वेशन लगाया 2 πf इंटू ए इंटू वी आई वाला, तो वहां से एफ की वैल्यू आ गई 23.84 kHz। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करते हैं, सबसे सही क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वोल्टेज है, तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, 5 sin ωt, इस तरह लिख सकते हो आप इसको, 5 sin ωt है, तो ये जब वी इन ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.5 mA। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, वो जाएगी इधर से, क्योंकि इधर से जा नहीं सकती, इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, और यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 mA, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, मैक्स वैल्यू है, तो इस तरह करंट फ्लो हो रही है 0.5 mA। ठीक है, अब क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा, जब वी इन लेस देन 0 आएगा तब क्या होगा, वी इन लेस देन 0 आएगा तब इस डायरेक्शन में आपकी -0.5 mA करंट फ्लो होगी। जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो वाली करंट यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी वो करंट। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह गुजरेगी, इस डायरेक्शन में गुजर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो भी ऊपर से नीचे से ऊपर ही जा रही है। मतलब पहले करंट क्या जा रही थी, प्लस से माइनस की तरफ जा रही थी, अब भी करंट कहाँ से जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ ही जा रही है, तो वो करंट इस तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो, जब नेगेटिव करंट आ रही है तब उसको ये वाला पाथ मिल रहा है ना ऊपर से इस तरह, तो हर बार करंट आपकी प्लस से माइनस की तरफ ही जा रही है, मतलब हर बार करंट इसी तरह जा रही है, समझ रहे हो। तो
इसका भी मैग्नीट्यूड यही हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका जो वी आउटपुट बनेगा वो किस तरह बनेगा, इस तरह, इस तरह, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है, और वो प्लस के साइन से अंदर जा रही है, तो इस तरह ही बनाएंगे। ठीक है, तो 0.5, 0.5, 0.5, तो इस तरह का बना। तो इसका एवरेज क्या 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 क्या, क्या लिखा हुआ है कि पी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल है, PMMC है। तो PMMC क्या करता है, एवरेज को कंसिडर करता है, तो इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अब देखो ये तो 0. अच्छा सॉरी, ये आपने 5 sin ωt लिखा, ये गलत लिख दिया ना, 5√2 sin ωt होगा, क्योंकि ये तो RMS है, ये RMS वैल्यू है, 5 RMS वैल्यू है। तो 0.5 × √2 इतना करंट जाएगा, 0.5 × √2 तो नहीं लिख सकते हैं, -0.5√2 mA इतना करंट जाएगा, इधर भी 0.5√2 mA इतना करंट जाएगा। तो फिर इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0.5√2/(2/π), क्योंकि एवरेज वैल्यू इसका क्या होता है, 2 IM/π। ठीक है, इसका एरिया 2 IM, पीरियड टाइम पीरियड कितना है, पाई, 2 IM/π, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, 0.45। तो ये वही ऑप्शन हो गया। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट देखा, उसकी डायरेक्शन देख ली, उसमें करंट वही नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, तो वो पॉजिटिव साइकिल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.5 × √2 mA। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 था वो RMS था, तो 0.5√2 मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ठीक है, और जब नेगेटिव साइकिल आया तभी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तब ये सभी इस तरह बन रहा है, तो उससे एवरेज वैल्यू अपन ने लिख दी 2 IM/π, 2 × 0.5 × √2/π, तो 0.45 आंसर आ गया। ठीक है, ये नोटिस करने वाली बात थी कि ये RMS है, तो हमें चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन थे, वो स्ट्रेन गोज के ऊपर था, तो वो कॉन्सेप्ट तो एनालॉग के अंदर नहीं आता, ट्रांसड्यूसर के अंदर आता है, तो उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो ट्रांसड्यूसर अगर पढ़ेंगे तो उससे क्लियर होगा वो वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी अपने ये CMRR वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखो CMRR के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, CMRR क्या होता है, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। ठीक है, तो वी नोट को आप क्या लिख सकते हो, AD × VD + AC × VC। साथ में इन्होंने एक और चीज बोली है, इस बार इन्होंने बोला है कि आपके पास ऑफसेट वोल्टेज भी है, ऑफसेट वोल्टेज भी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आउटपुट AD × VD + AC × VC ये तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज भी है। इसका मतलब कि अगर आपका इनपुट, ये क्या होता है कि फाइनाइट आउटपुट वेन इनपुट इज जीरो, मतलब आप ओपैम लेके आए, ठीक है, आपने कोई इनपुट नहीं लगाया फिर भी आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, ओपैम लेके आए कोई इनपुट नहीं लगा फिर भी आपके ऑसिलोस्कोप में आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो वो होता है ऑफसेट। ठीक है, तो अब जैसे वी नोट को क्या लिख सकते हो आप, AD × V+AC × V+V-2, क्योंकि ये क्या होता है, कॉमन मोड वोल्टेज और ये डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस वी आउटपुट ऑफसेट। अब देखो वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, मतलब आप सर्किट का CMRR निकाल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सर्किट का CMRR निकाल रहे हो, सर्किट CMRR, तो आपको यहाँ के वोल्टेज लेने हैं। ठीक है, ये भी वी पॉजिटिव है, ये वी नेगेटिव है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो अब वी पॉजिटिव इक्वल टू वी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जीरो में चला गया, ये जीरो हो गया कि वी पॉजिटिव इक्वल टू वी नेगेटिव है। अब AD कहाँ से निकालेंगे, AD निकालना ही नहीं है, क्योंकि AD की वैल्यू तो अपन को गिवन है 10। ठीक है, तो इन्होंने सर्किट इस तरह बना के दिया ताकि आप कॉमन मोड वोल्टेज गेन फाइंड कर पाओ। ठीक है, तो अपन को AD तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो V पॉजिटिव इक्वल टू V नेगेटिव है, V1 के इक्वल है ये दोनों। ठीक है, तो अभी अपन को क्या क्या निकालना है, अभी अपन को केवल, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया, तो ये वाला फैक्टर भी जीरो हो गया, तो अब क्या बचा अपना, AC × अब V पॉजिटिव इक्वल टू V नेगेटिव इक्वल टू V इन है, तो इसको V इन लिख दो, V पॉजिटिव इक्वल टू V नेगेटिव क्या, 2V in बन गया, 2V in/2, 2V in बन गया, प्लस V आउटपुट ऑफसेट, तो ये आ गया आपका V नॉट। तो अब देखो V नॉट के लिए दो इक्वेशन दिए आपको, जब V इन 2 होगा तो V नॉट 3 mV है, जब V इन 2 होगा, सॉरी,
जब वी इन टू होगा तो आपका वी नोट 3 मिलीवोल्ट है, और जब आपका वी इन 3 मिलीवोल्ट होगा तो वी नोट 4 मिलीवोल्ट है। इधर 4 मिलीवोल्ट और ये क्या है, 3 होगा। ये दोनों इक्वेशन मैं वापस लिखता हूँ या फिर इन्हें ऐसे कॉपी करने का ट्राई करता हूँ, नहीं होगा। तो इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, 3 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू 2 AC प्लस आउटपुट ऑफसेट करंट, और 4 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू 3 AC प्लस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, इसमें से ये इक्वेशन घटा दो तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिलीवोल्ट आ गई। तो अपन को CMRR के लिए क्या चाहिए था, AD/AC चाहिए था। AD की वैल्यू कितनी है, 10, AC की वैल्यू कितनी है, 10^-3, सॉरी मिली वोल्ट कैसे लिख रहे हैं अपने इसको, मिली वोल्ट नहीं लिखेंगे, गेन है ये, मिली वोल्ट बाई वोल्ट, ये कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये गेन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10^-3 है, तो ये 10^-3 सी एम आर कितना आ गया, 10^4, तो ये आंसर हो गया 10^4। देखो क्या करना था, अपन को पहले क्या सी एम आर फाइंड करना, तो अपने दिमाग में आया अपन को AD/AC चाहिए, AD/AC चाहिए, AD अपन को गिवन है, अपन को AC चाहिए। AC करने के लिए अपने आप जनरली क्या करते हैं, V पॉजिटिव और V नेगेटिव पे सेम पोटेंशियल सेम वोल्टेज लगा देते हैं और फिर आउटपुट देख लेते हैं। इन्होंने वही कंडीशन बना के दी अपन को, V पॉजिटिव और V नेगेटिव पे सेम पोटेंशियल लगाया और आउटपुट देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, अपने पास ऑफसेट भी है एक, ठीक है, तो ऑफसेट के लिए उन्होंने 2 इक्वेशन दे दी अपन को ऑफसेट के लिए। तो अपन ने सिंपल जो आउटपुट को जिस तरह लिखते हैं अपने अपने उस तरह लिख दिया, AD/VD प्लस AC/VC प्लस ऑफसेट वोल्टेज। अब VD को अपने VD तो अपना 0 हो गया क्योंकि V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव इक्वल्स टू VI है। AC ये VI बन गया क्योंकि V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव इक्वल्स टू VI था, तो AC/VI बन गया प्लस ऑफसेट वोल्टेज आई। तब फिर ऑफसेट वोल्टेज में वी नोट की वैल्यू 3 मिलीवोल्ट है जब इनपुट की वैल्यू 2 है, और वी नोट की वैल्यू 4 मिलीवोल्ट है जब इनपुट वैल्यू 3 है। ठीक है, तो वहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 1 10^-3 वोल्ट पर वोल्ट आ गई। ठीक है, तो ये 10^-3 वोल्ट पर वोल्ट आई, तो अपन ने AC की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से CMRR कितना गया, 10^4। तो इस तरह क्वेश्चन अभी काफी समय से आए नहीं है, तो अभी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आगे। ठीक है, तो इस तरह CMRR को कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो एक क्वेश्चन बाकी था वो वाला करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको लीस्ट अटेन्यूएटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड करना है, मतलब आपने ये सिग्नल अप्लाइड किया, आपने सिग्नल अप्लाई किया ये वाला, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, 0 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज है, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, 2 किलो हर्ट्ज है और 50 किलो हर्ट्ज है, ये सिग्नल अप्लाइड है। अब वो इस फिल्टर से और इस फिल्टर से गुजरेंगे और आउटपुट में आपका कुछ आपको कुछ कुछ मिलेगा, तो उसके अंदर हर फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट या तो अटेन्यूएट हुआ होगा या फिर एम्पलीफाई हुआ होगा। तो अब इसमें से कौन सबसे कम अटेन्यूएट हुआ है वो आपको पता करना है, मतलब कौन सबसे कम अटेन्यूएट मतलब कौन सबसे ज़्यादा एम्पलीफाइड। जैसे मान लो ये कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसका कोई गेन है, गेन जी है, और यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, तो एक बार आपका वी नोट बाई वी इन आ रहा है 0.1, एक बार आपका वी नोट बाई वी इन आ रहा है 0.12, एक बार आपका वी नोट बाई वी इन आ रहा है 0.8। ठीक है, तो इसमें से लीस्ट अटेन्यूएटेड कौन है, लीस्ट अटेन्यूएटेड ये है हाँ, या फिर वी नोट बाई वी इन आ गया 0.6। तो सबसे ज्यादा गेन किसका है, हाईएस्ट गेन इसका है, हाईएस्ट गेन मतलब लीस्ट अटेन्यूएटेड। ठीक है, तो किसका हाईएस्ट गेन आता है वो होता है लीस्ट अटेन्यूएटेड। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, गेन निकालना है, तो अपने क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको दिख रहा है 1/CS/1/CS+R, 1/RCS आ जाएगा, 1/RCS+1 आएगा, जो कि आता है 10^-4S+1। सिंपल ट्रांसफर फंक्शन आप यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ से यहाँ फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं, तो पूरा जो वी नोट बाई वी इन आएगा, वी नोट एस बाई वी इन एस जो आता है, ट्रांसफर फंक्शन है, एकदम बेसिक चीज़ होती है ये, आपको पता ही होगा पूरा। मैं सही से अभी जैसे पूरा ही डेरिवेशन ही कर दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो +1/10^-6S/750+1/10^-7S। तो यहाँ से फाइनल क्या आंसर आता है अपना, 10^3
इंटू 2s प्लस 10^3 अपॉन s प्लस 10^4 और 0.75s प्लस 10^3। तो ये है अपना वी नोट एस बाई वी इन एस, ठीक है। ये है फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये है, अब आपको देखना है इसके अंदर पोल कहाँ रहा है, जीरो कहाँ रहा है, पोल्स। तो देखो पोल किस किस पे आ रहे हैं, एक तो टेन टेन बाई 2π, यहाँ से 10/2π किलोहर्ट्ज़ पे आ रहा है, और एक आ रहा है 4/3/2π किलोहर्ट्ज़ पे आ रहा है, ये दो पे आ रहे हैं। तो दोनों की वैल्यूज मैं निकाल लेता हूँ, वैल्यूज निकाल ली थी कहाँ गई, यहाँ 10^4 आएगा एक्चुअली, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यहाँ पे, 0.75 × 10^4 आएगा ये, हाँ तो यहाँ पे 40/35 किलो हर्ट्ज आएगा। तो इसके कारण एक तो ये आता है 1.59 किलो हर्ट्ज पे, और ये आता है 2.1 किलो हर्ट्ज पे। तो ये आपके दो पोल्स आते हैं, ठीक है। एक जीरो आता है आपका, जो ऊपर जीरो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 1/4π किलो हर्ट्ज पे, 1/2 इसकी पावर 3/2π, 10^3/2 अपॉन 2π। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ जाता है 80 हर्ट्ज पे। तो आपके पास एक जीरो है 80 हर्ट्ज पे और दो पोल्स हैं, कब कब, 1.59 किलो हर्ट्ज और 2.1 किलो हर्ट्ज, 1.59 किलो हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज। तो अब इससे आप बॉडी प्लॉट बना लोगे, तो वही करते हैं, बॉडी प्लॉट बनाते हैं। बॉडी प्लॉट क्या होता है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले जीरो आने से पहले, मतलब 80 हर्ट्ज से पहले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डीसी गेन रहेगा, ठीक है, 80 हर्ट्ज से पहले डीसी गेन। उसके बाद 1.59 किलो हर्ट्ज पे एक आ रहा है जीरो, सॉरी एक पोल आ रहा है 1. सॉरी एक जीरो आ रहा है 80 हर्ट्ज पे, सॉरी सॉरी एक जीरो आ रहा है 80 हर्ट्ज पे, 80 हर्ट्ज पे एक जीरो आ गया। उसके बाद 1.59 किलो हर्ट्ज पे एक पोल आया, इसे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, फिर आया है 1.59 किलो हर्ट्ज पे एक पोल आया है, और फिर 2 किलो हर्ट्ज पे एक और पोल, 2.1 एक्चुअली, 2.1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो आप इन्हें शो कर सकते हो ऐसे, ये हो गया आपका 80 हर्ट्ज, ये हो गया 1.59 किलो हर्ट्ज, ये हो गया 2.1 किलो हर्ट्ज। ये है बॉडी प्लॉट, और बॉडी प्लॉट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट प्लॉट है, ठीक है। लेकिन इससे अप्रोक्सीमेट प्लॉट से भी अपने पता लगा सकते हैं। देखो अपने पास है कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज और 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 50 यहाँ होंगे, 0 हर्ट्ज यहाँ होगा, 50 हर्ट्ज यहाँ होगा, ठीक है, और 2 किलो हर्ट्ज यहाँ कहीं होगा, 2 किलो हर्ट्ज यहाँ कहीं होगा, और 50 किलो हर्ट्ज इस रेंज में होगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि 0 हर्ट्ज वाला ऊपर होगा या 50 किलो हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज वाला ऊपर होगा, ये सब भी मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, ये कौन सा ऊपर होगा ये सब भी मैं बताऊंगा। तो इसमें बताओ कि लीस्ट गेन किसका आया, सॉरी मैक्सिमम गेन किसका आया, मैक्सिमम गेन मतलब क्या था, ये वाली बात बताई थी मैंने, हाईएस्ट गेन मतलब लीस्ट एटेन्यूएटेड,
तो हाईएस्ट गेन किसका है? 2 किलोहर्ट्ज वाले का। ये बात सर्टेन है कि 2 किलोहर्ट्ज वाले का हाईएस्ट गेन होगा, क्योंकि ये सारे पार्ट इससे नीचे हैं और ये वाले पार्ट भी सारे इससे नीचे हैं, तो हाईएस्ट गेन तो इसका ही होगा। तो लीस्ट अटेन्यूएटेड कौन सा हो गया अपना? लीस्ट अटेन्यूएटेड कौन सा हो गया? 2 किलोहर्ट्ज वाला, इन चार में से ये वाला। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर तो यही है, 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिए होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आंसर दिए होते हैं, कैसे दिए होते हैं। मेरे ख्याल से यही आंसर है। अभी इस क्वेश्चन के बारे में और चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पहला तो ये कि आपको 0 और 50 हर्ट्ज में कंपेरिजन करना हो कि कौन सा लीस्ट अटेन्यूएटेड होगा। अगर 0 और 50 हर्ट्ज में आपको कंपेरिजन करना हो, ठीक है, तो अब बताओ ये तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट था, इसका पूरा प्लॉट कैसा होगा, जो रियल बॉडी प्लॉट जो होगा इसका, वो इस तरह होगा। तो यहां से 0 हर्ट्ज आपका स्टार्ट होगा, यहां से 50 होगा, फिर यहां पे जाके कहीं आपका 2 किलो हर्ट्ज जाएगा, और आगे जाके कहीं पे अब वो किस हो सकता है, ये इस तरह नीचे भी जा सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है आपका 50, अब 50 किलो हर्ट्ज किस रेंज में आएगा वो अपन को पता करना है कि 50 किलो हर्ट्ज कहाँ पे आएगा। हो सकता है वो 0 से नीचे भी आ जाए, हो सकता है वो 0 से ऊपर आए, तो वो अभी देखते हैं अपने। तो ये तो अपन को पता है कि इस तरह होगा, तो ये अपन को पता है कि 50 हर्ट्ज वाले का जो गेन होगा वो 0 हर्ट्ज वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि इससे पहले कोई पोल या 0 नहीं आया है, यहाँ पे कोई पोल या 0 नहीं आया 0 से 50 के बीच में, तो यहाँ से तो इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि 0 से 50 के बीच में कोई पोल या 0 नहीं आया, तो यहाँ से तो इंक्रीज ही करेगा। अब बात यह है कि जो 50 किलोहर्ट्ज है, अब 50 किलोहर्ट्ज वाले की बात करनी है, तो अब तो ये स्लोप गिर रही है, अब अपन को ये नहीं पता कि स्लोप कितनी गिरेगी। ठीक है, तो ये स्लोप गिर रही है, अब कितनी गिरी है ये अपन को नहीं पता। ठीक है, कहाँ तक गिरेगी, ये गिरेगी कितनी वो तो अपन को पता है। ये क्या है, +20 dB पर डे का है, ठीक है, और ये क्या है, -20 dB पर डे के। ठीक है, ये बात तो अपन को पता है। अब आप 0 फ्रीक्वेंसी पे गेन फाइंड कर लो, गेन एट 0 हर्ट्ज, ये आप फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये करेंगे अपने ट्रांस, तो अपने इस वाले ट्रांसफर फंक्शन में वी नोट बाई वी एनएस में क्या करेंगे, वी नोट जे ओमेगा अपॉन वी इन जे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से गेन कितना आएगा, 10 to the power -1, मतलब -20 dB। ठीक है, इसको चेंज करना है अगर डीबी में, -20 dB। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -20 dB। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि बॉडी प्लॉट में क्या होता है, पेज ऐड करना पड़ेगा एक, तो -20 dB आ गया, तो ये अपना ये बना हुआ है। अब आपको एक बात पता है कि बॉडी प्लॉट में अगर स्लोप की वैल्यू है 20 dB पर डे, तो इसका क्या मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज अगर 10 टाइम्स होता है, तो आपका गेन 20 dB इंक्रीज करेगा। ये बात आपको पता है, इसका मतलब यही तो होता है, 20 dB पर डिकेड का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी में एक मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो फ्रीक्वेंसी में, तो गेन आपका 20 dB इंक्रीज करेगा, और अगर अगर यही -20 dB पर डे को, तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स बढ़े तो आपका गेन 20 dB घट जाएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स बढ़े, मतलब 10 टाइम्स बढ़े मतलब कुछ 0 पॉइंट इसका 10 टाइम्स सीता होगा, यहाँ पे -dB, अपने यहाँ पे कितना, 10 टाइम्स मतलब 0.8 किलोहर्ट्ज, 80 का 10 टाइम्स कितना होता है, 0.8 किलोहर्ट्ज, तो यहां से इंक्रीज करें तो ये कितना, 0 dB पहुंच जाएगा। और अब आपको ये पता है कि 0.8 किलोहर्ट्ज पे आपका 0 dB है, तो 1.59 पे तो ग्रेटर देन 0 dB हो गई, ये ग्रेटर देन 0 dB होगा पक्का, ग्रेटर देन 0 dB।
ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 dB होगा ही पक्का। अब देखो अगर ये वैल्यू है 2.1 kHz, तो यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन 0 dB, मान लो 2 kHz पे 2 dB है आपका गेन, ठीक है 2 dB गेन है, लेट गेन एट 2 kHz इज 2 dB, ठीक है। तो गेन आपका अगर 2 dB है यहाँ पे, तो ये जो स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो मतलब 2.1 का 10 टाइम्स 21 kHz पे, 21 kHz पे, 21 kHz पे आपका गेन आ जाएगा 0 dB, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 dB है, तो 21 kHz पे आपको गेन आ जाएगा -18 dB, ठीक है, क्योंकि 2 dB का 20 dB लेस हुआ, तो -18 dB, उससे थोड़े से ज़्यादा जाने पर कितना आ जाएगा -20 dB, लेकिन वो 50 kHz तक नहीं जाएगा ना, मतलब 50 kHz बहुत दूर की वैल्यू हो गई, आप समझ रहे हैं, 50 kHz बहुत दूर हो गया, तो गेन वो बहुत कम हो जाएगा 50 kHz तक जाते जाते। तो इसलिए यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि 50 kHz पे गेन मिनिमम होगा, मतलब आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो कैसे क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी प्लॉट में ये तो 0 से लेके 80 Hz तो सब सेम हो गए, तो क्या कर सकते हैं, मैं अगले पेज पे समझाता हूँ। अपना इस तरह का बॉडी प्लॉट बना हुआ है, ठीक है, ये 80 Hz हो गया, ये है 1.59 Hz, ठीक है, ये 2.1 kHz, ठीक है, इसका स्लोप है 20 dB पर डेक, और ये गेन है। मान लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू मान लेता हूँ y, ठीक है y, और यहाँ पे मैं वैल्यू मान लेता हूँ x1, ठीक है, और एक कोई मेरी 50 Hz पे, लेट एट 50 Hz, 50 kHz, मतलब अपन को 50 kHz की पोजीशन नहीं पता, तो गेन इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये मान रहे हैं अपने 50 kHz पे गेन अपना x2 है। तो अब अपने एक इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ से अपने लिख सकते हैं y माइनस x1 अपॉन log 10 1.59 kHz, है ना, 1.59 kHz अपॉन 80 Hz, 1.59 अपना आंसर हो गया इसके अंदर, बस मैं और वैल्यूज कैसे देखनी है वो सब बता रहा हूँ। 1.59 अपॉन 80 kHz इक्वल्स टू 20 dB पर डे, 20 बेसिकली। और एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, x2 - y, इधर x2 - y अपॉन log 10 50 अपॉन 2.1 kHz, ये 80 kHz नहीं, 80 Hz, अपॉन ये हर्ड 1.59 था, ये इक्वल्स टू -20। तो यहां से आपके x1 की वैल्यू आ रही है y माइनस log 10 1.59 kHz अपॉन 80 Hz, और x2 की वैल्यू आ रही है y माइनस log 10, ये 20 है यहाँ पे, 20, ये भी 20 है, y माइनस 20 log 10 50 अपॉन 2.1, ठीक है। अब मैं दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो मैंने log के अंदर अंदर को सोल्व किया, 1.59 बाई 80 को सोल्व किया, तो ये आया 19.875, और इसको 50 अपॉन 2.1 में सोल्व किया तो यह है 23.80। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू लार्जर हो गई, तो x2 वैल्यू क्या हो गई, लेसर हो गई, क्योंकि y तो दोनों में कॉमन है, y से लार्जर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो x2 कम हो गया, तो x2 इज लेस देन x1। इसका मतलब आपका 50 kHz इस वाली लाइन के तो बाद में ही आएगा कहीं पे, यहाँ कहीं आएगा 50 kHz, ठीक है। तो यहां से एक बात पता चल गई अपन को कि जो 2.1 kHz का जो गेन था वो सबसे ज्यादा था, उससे कम था अपना 50 Hz का गेन,
उससे कम था अपना 0 हर्ट्ज का गेन, और उससे कम था अपना 50 किलो हर्ट्ज का गेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गेन किसका हुआ? इसका। तो इस गेम ये हुआ लीस्ट एटेन्यूएटेड अटेन्यूएटेड, और ये हुआ, ये वाला हुआ मैक्स अटेन्यूएटेड। ठीक है, तो अपन को मैक्स लीस्ट एटेन्यूएटेड तो सिंपल अपने बॉडी प्लॉट बनाया तभी पता चल गया। अपने जैसे ही बॉडी प्लॉट बनाया यहाँ पे ये, तो अपन को पता चल गया कि लीस्ट एटेन्यूएटेड तो ये होगा 2 किलो हर्ट्ज। अगर अपन से मैक्स एटेन्यूएटेड पूछ लेता तो अपने क्या करते? अगर मैक्स एटेन्यूएटेड पूछ लेता तो अपन को 2 किलो हर्ट्ज पे कोई बात करने की जरूरत नहीं थी, 2 किलो हर्ट्ज पे कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। अपना कॉम्पिटिशन होता 0 और 50 किलो हर्ट्ज के बीच में, और 0 और अपने 50 किलो हर्ट्ज को ऐसे निकाल लेते, या फिर सिंपली अपने क्या करते, ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया था, ये ट्रांसफर फंक्शन आया था, इसमें 0 हर्ट्ज रख लेते, 50 हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज रख लेते, या फिर 50 हर्ट्ज भी रख सकते हो और 2 किलो हर्ट्ज भी रख सकते हो। सब लिख के आप गेन देख लो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा गेन तो 2 किलो हर्ट्ज का आ रहा है, सबसे कम आ रहा है 50 किलो हर्ट्ज का। ठीक है, तो यहाँ पे रख के भी देख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन अगर इतना नहीं देखना, बॉडी प्लॉट से सोचना है तो इस तरह सोच सकते हो। ठीक है, तो इस तरह इसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को, ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। कई जगह मैंने देखो क्या देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि ये लो पास फिल्टर है। ठीक है, वो लोग ऐसा बोलते हैं लो पास फिल्टर है, और मैं इसको आगे वाले पेज में सोल्व करता हूँ, वरना लोग सोचेंगे कि मैं गलत कर दिया। चलो एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। अब देखो वो बताता हूँ जो रॉन्ग सॉल्यूशन है किस तरह वो रॉन्ग है, पहले ये बताता हूँ मैं रॉन्ग सॉल्यूशन। देखो तो क्या बोलते हैं कि ये लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स क्या आया था, 1/1 RCS, ये इसका रिस्पॉन्स आया था, ये लो पास फिल्टर है। तो और इस लो पास फिल्टर की अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आई थी? लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई थी 80 हर्ट्ज, नहीं 1.59 किलोहर्ट्ज आती है इस वाले से, आई गेस। हाँ 1.559। ठीक है, इसकी निकाल लो आप, 1/RC कितना है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻³, तो ये क्या आ गया, 2π इंटू 10⁻⁴, तो 10/2π, तो कितना हो गया ये, 1.59 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 1.59 किलोहर्ट्ज। तो ये कहते हैं कि इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.559 किलोहर्ट्ज है, और यहाँ पे अपने पास 0 है, 50 है, 2 किलोहर्ट्ज है और 50 किलोहर्ट्ज है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.59 किलोहर्ट्ज है तो ये दोनों सिग्नल तो पास ही नहीं करेंगे, केवल ये दोनों करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों पहुंच गए, फिर इन दोनों के को इससे पास करवा दिया, और फिर उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, आप बोल रहे हो कि यहाँ से 0 और 50 पास करेंगे, ये आइडियल थोड़ी ना लो पास फिल्टर है। आपका जो लो पास फिल्टर है वो इस तरह है, आप कह रहे हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.59 किलोहर्ट्ज है, ठीक है, तो 2 किलोहर्ट्ज वाला भी कुछ तो पास करेगा ना, ऐसे थोड़ी ना पूरा अटेन्यूएट हो जाएगा। ये जो लो पास फिल्टर है वो ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि 1.59 है और इसके बाद मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, 2 किलो हर्ट्ज या कुछ भी हो, जाएंगे लेकिन कुछ कम एटेन्यूएशन लेके जाएंगे। ठीक है, अब वो यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ पे आए तब ये बात अपन को पता है कि सबसे ज्यादा 0 हर्ट्ज का होगा, उसके बाद 50 का होगा, उसके बाद सबसे ज्यादा 0 का होगा, उसके बाद 50 का होगा, उसके बाद 2 किलो हर्ट्ज का होगा, और उसके बाद 50 किलो हर्ट्ज का होगा। लेकिन फिर यहाँ पे आके ये जो फिल्टर है वो है हाई पास फिल्टर, तो इस हाई पास फिल्टर में इक्वेशन चेंज हो सकती है ना। अब हो सकता है कि जितना अटेन्यूएशन इसको यहाँ मिला हो उतना उतना एम्प्लीकेशन यहाँ मिल जाए, 2 किलो हर्ट्ज को जितना अटेन्यूएशन यहाँ मिला था उतना एम्प्लीकेशन यहाँ मिल जाए, और 0 किलो हर्ट्ज को जितना एम्प्लीकेशन मिला था, क्योंकि हाई पास फिल्टर तो इस तरह जाएगा कुछ, तो 0 किलो हर्ट्ज यहाँ पे बहुत सारा अटेन्यूएशन हो सकता है। और यही हुआ है जो अपन ने पहले देखा कि यहाँ पे 0 हर्ट्ज को गेन मिला है, ठीक है, 50 हर्ट्ज को गेन मिला है, 2 किलो हर्ट्ज को अटेन्यूएशन मिला है, लेकिन हाई पास फिल्टर से जब पास होगा तो इसको 0 हर्ट्ज को ज्यादा अटेन्यूएशन मिलेगा, 50 हर्ट्ज को भी बहुत ज्यादा अटेन्यूएशन मिलेगा, 2 किलो हर्ट्ज को थोड़ा सा एम्प्लीकेशन मिल जाएगा, तो फाइनली 2 किलो हर्ट्ज जीत जाएगा। फाइनली अपना 2 किलो हर्ट्ज का सबसे ज्यादा, 2 किलो हर्ट्ज अपना सबसे ज्यादा गेन पे होगा, उसके बाद 50 हर्ट्ज होगा, उसके बाद 0 हर्ट्ज होगा, और लीस्ट गेन होगा अपने 50 किलो हर्ट्ज का। तो ये इस तरह होगा पूरा सोल्यूशन, क्योंकि जो अपना 50 किलो हर्ट्ज है वो यहाँ पे आगे बहुत कम हो जाएगा, इससे पास जो होगा ना तो बहुत कम होगा, क्योंकि अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1.59 किलो हर्ट्ज। अब आप आगे जाओ 50 किलो हर्ट्ज तक, तब तो बहुत कम गेन हो जाएगा, तो 50 किलो हर्ट्ज बहुत कम गेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे 50 किलो हर्ट्ज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का, खैर यहाँ पे आगे उसको एम्प्लीकेशन मिलेगा बट इतना भी नहीं मिल पाएगा जितना यहाँ पे इसका अटेन्यूएशन हो गया। तो 50 किलो हर्ट्ज का लीस्ट होगा, और फिर सबसे ज्यादा मैक्स होगा 2 किलो हर्ट्ज का, उसके बाद 50 हर्ट्ज का, और उसके बाद 0 हर्ट्ज का। तो इसको इस तरह देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रॉन्ग सोल्यूशन है कि लो पास फिल्टर से 0 और
50 ही पास होगा केवल, 2K और 50 पास ही नहीं होगा, तो ये बोलना एकदम गलत है, ठीक है, ये एकदम रॉन्ग है। ध्यान दें, कोई ऑफिशियल आंसर की कुछ था नहीं, कोई ऑफिशियल आंसर था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे पूरा, या फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन से करेंगे, मैथ्स लगा के करेंगे, तो आंसर अपना यही आता है 2 किलो हर्ट्ज़। तो यही इसका सही आंसर है, और कहीं पे क्या आंसर दिया वो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये 2 किलो हर्ट्ज़ आंसर सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो अब सेट 4 के सॉल्यूशन देखते हैं, गेट 2014 के। तो इसके अंदर आपको वी नॉट इक्वल्स टू वी आई चाहिए, वी नॉट इक्वल्स टू वी आई चाहिए। इसका मतलब आपको डायोड डी वन भी ऑफ करना पड़ेगा और डायोड डी टू भी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑफ होंगे तो यहाँ पे वी आई आएगा। अब देखो डी टू के अक्रॉस आप पोटेंशियल देखो, इधर इधर लगा है 2 और इधर लगा है वी आई, तो आपका वी आई माइनस 2 शुड बी लेस देन 0.7, है ना। वी आई माइनस 2 शुड बी लेस देन 0.7, क्योंकि डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 है। तो अगर ये वैल्यू 0.7 से कम हुई तो आपका डायोड ऑफ होगा। इसका मतलब वी आई शुड बी लेस देन 2.7। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये देख लो, -1 माइनस वी आई दिस शुड बी लेस देन 0.7। इसका मतलब वी आई शुड बी ग्रेटर देन -1.7, ठीक है। तो -1.7 से बड़ा हो और 2.7 से छोटा हो, तो ये डी ऑप्शन सही है। समझ गया। देखो इन दोनों में आपने ड्रॉप निकाल लिया डायोड के क्रॉस और उसको 0.7 से कम कर दिया। अगर 0.7 से कम होगा तो इसका मतलब डायोड ऑन नहीं होगा, बी ऑप्शन हो गया। अब ये है कि एमिटर रेजिस्टेंस आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का बढ़ा दो, एमिटर रेजिस्टेंस आप जोड़ दोगे अगर कॉमन एमिटर वोल्टेज एम्पलीफायर में, तो क्या होगा, तो आपका वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है। और वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है किस फैक्टर से, 1+GMRE फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। और आपका जो इनपुट इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। इनपुट इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो क्या बनता है, R π + 1+βRE, और विदाउट एमिटर रेजिस्टेंस क्या रहता है, केवल R π रहता है। तो इनपुट इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपका आउटपुट वोल्टेज गेन डिक्रीज हो जाएगा। तो रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन एंड इंक्रीजेस द इनपुट इम्पोर्टेंस, तो ये बी ऑप्शन है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रहता सबको, वरना डेराइव भी कर सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वोल्टेज गेन के बारे में बात की गई है कि वोल्टेज गेन नियरली कांस्टेंट हो, ये बात की गई है। तो पहले इसका वोल्टेज गेन लिख लेते हैं, इसका वोल्टेज गेन कितना होता है, इसे पीछे कर लेते हैं। वोल्टेज गेन कितना होता है, वी नोट बाई वी ई GMRE पैरेलल विद आर नोट अपॉन GM अपॉन 1+GMRE पैरेलल विद आर नोट, यही तो होता है। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, इसका वोल्टेज गेन ये होता है क्योंकि आर नोट यहाँ लगा है, यहाँ पे आर नोट लगा है, तो आर नोट पैरेलल विद आर ई आ जाएगा। तो फिर GM इंटू RE पैरेलल विद आर नोट अपॉन 1+GMRE पैरेलल विद आर नोट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो, RE पैरेलल विद आर नोट को क्या लिखोगे, RE आर नोट अपॉन RE+R0, वही लिख दो यहाँ पे, GMRE R0 अपॉन RE+R0 अपॉन 1+GMRE R0 अपॉन RE+R0। यहाँ से GMRE R0 अपॉन GMRE R0+RE+R0, तो इसका ये गेन आया, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता है कि R0 तो RE से बड़ा होता ही है, ये बात तो सर्टेन है, क्योंकि R0 काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो वो RE से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। R0 इन्फिनिटी के नजदीक होता है, तो RE से तो बड़ा है पक्का। तब आप इसको इतना रिप्लेस कर सकते हो, तो ये रिप्लेस होके इस तरह बन जाएगा, GMRE R0 अपॉन GMRE R0+R0, ठीक है। अब आपको कांस्टेंट चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं ना, कि ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो जाए तो कांस्टेंट होके आंसर 1 आ जाएगा आपका। ये और ये बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि GMRE R0 आपका ग्रेटर देन R0 बन जाए। इसका मतलब आपका GM into RE ग्रेटर देन 1 बन जाए, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 बन जाए, तब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाए। ऊपर ऊपर भी GMRE R0 बजेगा, नीचे भी GMRE R0 बजेगा, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना डेराइव हो गया है GMRE वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, GMRE वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये कुछ अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ये अपना आंसर आया नहीं, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस करने का ट्राई करते हैं। GMRE वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 ये आया, GM को लिख देते हैं IC अपॉन VT, तो IC अपॉन VT इस तरफ चला गया, तो
आई सी इंटू आर ई वेरी वेरी ग्रेटर देन वी टी, तो आई सी इंटू आर ई वेरी वेरी ग्रेटर देन वी टी, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। अपन को गेन पता है, अपन ने गेन लिख दिया इसको, इस तरह एडजस्ट कर दिया, इस तरह एडजस्ट किया, तो फिर वहाँ से ये कंडीशन आई अपनी, क्योंकि अपन को इसको वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नोट करना था, तो क्या यहाँ से ये कंडीशन आई, इसको रीएडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो एक बार बना लेते हैं कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पे अपना इनपुट अप्लाइड है और यहाँ पे अपने कुछ आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और अपन को क्या करना है, कनेक्टर बायस इज रिक्वायर्ड टू मैच द इनपुट इम्पिडेंस टू द एम्पलीफायर इम्पिडेंस। एम्पलीफायर इम्पिडेंस मतलब इसका इनपुट इम्पिडेंस, इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, 1/gm, यही तो होता है, यहाँ से दिख रहा है ना 1/gm, इसका इनपुट इम्पिडेंस इक्वल होना चाहिए एम्पलीफायर के रजिस्टर इनपुट इम्पिडेंस, एम्पलीफायर ये सॉरी एंटीना के इनपुट इम्पिडेंस के, तो एंटीना का इम्पिडेंस कितना है 50 ओम, तो अपने gm की वैल्यू आनी चाहिए 50 महो, तो ये होती है IC/VT। ठीक है, तो 50 नहीं सॉरी 1/50 माओ, ये इक्वल होना चाहिए 1/50 माओ के, ये हो गया 1/50 माओ, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, IC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो IC इक्वल टू क्या आ गया 25/50 मतलब 0.5 mA। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 0.5 mA। अब बाकी का क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें मैक्सिमम अनडिस्टोर्टेड पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए पहले आपको डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, पहले डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो पहले तो मैं एसी डीसी के लिए वीसीई वर्सेस आईसी का कर्व बना रहा हूँ, आईई का सॉरी, वीसी वर्सेस आईई, तो ये सब लोगों ने पढ़ा होगा वीसी वर्सेस आईई का कर्व, इस तरह आता है कुछ इस तरह आता। पहले बढ़ेगा फिर सेचुरेट होगा, अब आप वीसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आईबी करंट बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे जाके सेचुरेट हो जाता है, तो इस तरह कुछ कर्व होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। लोड लाइन का बेसिकली क्या मतलब है कि आप वीसी को लिख लो सब इन सब टर्म में, यहाँ पे कितनी करंट है, आईई करंट है ना, तो मैं लिख सकता हूँ वीसीई इक्वल्स टू क्या है, वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरई, या फिर आईईआरई सॉरी, देखो वीसीई इक्वल टू वीसीसी माइनस आईईआरई, आईईआरई ठीक है, आईईआरई वीसीसी माइनस आईईआरई, तो इसमें देख लो अब कि यहाँ पे देखो जब आईई इक्वल टू 0 है तब वीसीई की वैल्यू क्या है, वीसीसी है, जब वीसीई इक्वल टू 0 है तो आईई की वैल्यू क्या है, वीसीसी बाई आरई है, तो इसका मतलब इसका कर्व कुछ इस तरह आ जाएगा। इस तरह आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। अब आप किसी भी एक पॉइंट पे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे अपने एम्पलीफायर को बायस करते हो, जैसे मान लो अपना कोई आंसर आया वी सी ई क्यू पे, अपन ने बायस कर रखा है, ठीक है, इसको क्यू पॉइंट कहते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास आई ई क्यू है, तो इन्होंने ऑलरेडी बायस करके दिया है अपन को, क्योंकि सब वोल्टेज वगैरह दिया इन्होंने, तो इन्होंने बायस करके दिया है किसी वोल्टेज पे, देखो कितना है यहाँ पे, कितना वोल्टेज आएगा 10/15, 2/3, 8 वोल्टेज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 8, तो यहाँ पे कितना आया 7.3, तो यहाँ पे वी सी ई की वैल्यू क्या आ गई 12 - 7.3, कितना हो गया ये 4.7 वोल्ट, तो अपना वी सी ई क्यू क्या है, वी सी ई क्यू 4.7 वोल्ट,
और आई ई क्यू क्या है अपना, 4, 7.3 mA। तो बेसिकली 4.7 और 7.3, ये अपना 4.7 वोल्ट है और ये अपना 7.3 है, ठीक है, ये अपन को दिया इन्होंने, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो अब हम EC2016 के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये सेट वन है, ठीक है, सेट वन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आई नोट की वैल्यू फाइंड करनी है इसके थ्रू, ठीक है। ये VCC है, ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, VCC माइनस VREF, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, VCC माइनस VREF, इसके कारण यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, VREF/R। ये देख सकते हो आप, VCC माइनस VREF, तो VREF/R करंट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये IE करंट है और ये आई नोट क्या है, ये IE करंट है। आई नोट क्या है, IC करंट है। तो फिर IC करंट क्या हो जाएगी, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन VREF/R, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट, और ये वी इन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर प्लस VCC आया तो ये ऑन होगा, और अगर माइनस VCC आया तो ये ऑफ होगा, ये बात आपको पता है। तो प्लस VCC कब आएगा, जब व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट, तब आपका, इसको मैं वी आउट बोल देता हूँ, आपका वी आउट क्या होगा, प्लस VCC, और मतलब एलईडी, एलईडी आपकी ऑन होगी, और जब वी आई की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो आपका वी नोट आएगा माइनस VCC और एलईडी आपकी ऑफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 से बड़ी वैल्यू है अगर वी इन की, तो एलईडी ऑन है, तो इस एरिया में एलईडी ऑन है, ठीक है, यहाँ पे ऑन है, इसके बाद ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, फिर ये वापस 2 से बढ़ाया, इस पे पूरे एरिया में ऑन है, इस पूरे में ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, इससे ऊपर 2 से ऊपर इस पूरे एरिया में वापस ऑन है, और उसके बाद सारी जगह ऑफ है। तो कितनी बार ऑन हुआ, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, मतलब बेसिकली ऐसा होगा कि पहले जली हुई है, फिर बंद हुआ, फिर वापस जला, फिर बंद हुआ, फिर वापस जला, फिर बंद हुआ, तो कितनी बार जला, 3 बार जला, इस पूरे एरिया में जलता ही रहेगा, तो कितनी बार जला, 3 टाइम्स, तो ये 3 आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं इतना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरा ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये डायोड लगा है और ये आपको दिख रहा है कौन सा ओसिलेटर है, वेन ब्रिज ओसिलेटर है। वेन ब्रिज ओसिलेटर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, साइनोसॉइड होता है, साइनोसॉइड होता है, ठीक है, आउटपुट साइनोसॉइड होता है, ठीक है। अब किसी का भी ऑसिलेटर होता है ना, किसी भी ऑसिलेटर का आउटपुट है ना, वो उसकी ए बीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन, लेकिन अगर ए बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, वेरी लार्ज है, तो उससे क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है ना ऑसिलेशन का, जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी लार्ज होगा, ठीक है, मतलब ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड वुड बी वेरी लार्ज, ठीक है, जब ए बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तब गेन की क्या होता है इसका, 1+RF/R, ठीक है, इसका गेन क्या है, 1+RF/R। अब आपने ये डायोड लगाए, ठीक है, अब जैसे ही इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आया यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक ऑन हो जाएगा, या फिर नेगेटिव भी आया तो भी कोई एक ऑन होगा, जैसे ही इनमें से कोई एक ऑन होगा तो ये इफेक्टिव RF की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि 100 किलो ओम इसके पैरेलल में आ गया ना, 100 किलो ओम इसके पैरेलल में आ गया, तो ये RF की वैल्यू कम हो गई, उसके कारण आपका ए कम हो गया, ए कम हो गया तो आपका ए बीटा कम हो गया, ए बीटा कम हो गया तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी लार्ज नहीं जाएगा, जबकि स्टेबिलिटी के वक्त चला जाएगा, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए बीटा ग्रेटर देन वन है तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अब आपका ए कम हो गया तो आप ए बीटा यूनिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका ए कम हो रहा है तो आप यूनिटी की तरफ जा रहे हो, और इसका मतलब है कि आपका एम्पलीट्यूड स्टेबलाइज होने वाला है। तो देखो, इंट्रोड्यूस एम्पलीट्यूड स्टेबिलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग द ऑप एम्प फ्रॉम सैचुरेटिंग, दस प्रोड्यूसिंग साइनोसॉइड ऑसिलेशन ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड। तो आपका एम्पलीट्यूड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब फिक्स एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, और
ऑसिलेशन भी आपका स्टेबलाइज हो रहा है, समझ रहे हैं आप। देखो आपने 100 किलो को पैरेलल में लगा दिया, वो तो ऑलवेज कंडक्टिंग है, डायोड वाला नेगेटिव आया चाहे पॉजिटिव आया हमेशा कंडक्टिंग है। आपने 100 किलो को पैरेलल में लगा के उसका आरएफ कम कर दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो उसका जो गेन था ए वो कम हो गया, जिससे आपकी ए बीटा की वैल्यू कम होने की तरफ आ रही है। मतलब ए बीटा 1 था, 1 से बहुत बड़ा था, वो 1 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एम्पलीट्यूड अब वेरी लार्ज नहीं रहा, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बढ़ता नहीं चला जा रहा। अगर ए बीटा ग्रेटर देन 1 है, बढ़ता जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इससे एम्पलीट्यूड स्टेबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर, तो उसका आउटपुट क्या होता है, साइनोसॉइड होता है। और सभी में किसी में दिया हुआ है कि सेचुरेशन स्क्वायर वेव आएगा, तो ये गलत हो गया। इसमें ये दिया हुआ है स्क्वायर वेव आएगा, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी स्टेबिलाइजेशन की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्टेबिलाइजेशन हो रहा है। तो ये आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन, ठीक है। ये देखो इस सर्किट को आप, आपको सीमोस इन्वर्टर का इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। वैसे ईडीसी का क्वेश्चन हुआ ये, तो ये वी नोट बाई वी एम, तो किस तरह करेक्टरिस्टिक आता है। देखो इस तरह कुछ करेक्टरिस्टिक आता है इस पे, ठीक है। तो जब वी नोट इक्वल टू वी नो होगा ना, यहाँ पे इतना वी नोट ले लो, ये वी नो, तो ये क्या है, वी नोट इक्वल टू वी इन है। यहाँ पे जितनी वी, ये जितनी वी वी इन की वैल्यू है, उतनी वी नोट की वैल्यू है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्विचिंग थ्रेश होल्ड, ठीक है। जब वी नोट इक्वल टू वी इन होता है, इसको स्विचिंग थ्रेश होल्ड बोलते हैं। और अगर इसमें दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों मैच्ड है, पीमोस एनमोस मैच्ड है, अगर दोनों मैच्ड है, तो इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है वीडीडी बाई टू, ठीक है। अगर मैच नहीं है तो कुछ अलग होती है, लेकिन इसको स्विचिंग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले जैसा कर्व है, इस पॉइंट के बाद एकदम वैसा ही उसका रेप्लिका बना हुआ है। देखो अगर यहाँ पे बीच में आप मिरर रख दोगे, तो जैसा कर्व यहाँ है वैसा ही यहाँ पे, तो उसका ऑलमोस्ट रेप्लिका बना हुआ है। जो ट्रांजिस्टर का स्टेट पहले था, उसका ऑलमोस्ट रेप्लिका नहीं बोलेंगे, उसका ऑपोजिट स्टेट दूसरी तरफ आ जाता है, तो इसको स्विचिंग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जो एकदम मिडिल वाला पॉइंट होता है। तो ये भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, जैसे ये इन्वर्टर है और ये आपका रेजिस्टेंस है 10 किलो, ठीक है। और ये वी नोट है और ये वी इन है, ठीक है। यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें से भी कोई करंट जाएगी नहीं, तो आप बेसिकली इस तरह बोल सकते हो कि ये वी नोट इक्वल्स टू वी इन है, मतलब कंटिन्यूस ऑसिलेशन हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन में कब होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, जब स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर होगा, ठीक है। तो आपका वी आउटपुट क्या आएगा, स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर के इक्वल, क्योंकि अगर दोनों मैच्ड होते तो वी डी डी बाई टू के इक्वल होता है। अब वो गिवन नहीं है वैल्यू, तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्विचिंग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, 41। देखो अब पिन फोटो डायोड की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि 10 माइक्रोवाट की इसके ऊपर पावर है, 10 माइक्रोवाट की पावर है, तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, 80 माइक्रो एम्पियर करंट जा रहा होगा, क्योंकि 0.8 × 10 कितना गया, 80 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें से भी कितना करंट जा रहा होगा, 80 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया, -80, समझ गया। यहाँ पे -80 आ गया, सही कह रहा हूँ ना, 10 है तो 8 आएगा, सॉरी 8 माइक्रो एम्पियर, तो इधर कितना, 8 माइक्रो एम्पियर, इधर कितना आ गया, -8 वोल्ट, तो -8 बाई 10 10 के, इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कितना करंट आ गया, 800 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो हमेशा लोड की डायरेक्शन ये लेनी चाहिए, IL, तो IL की वैल्यू क्या आ गई, -800 माइक्रो एम्पियर, वैसे देनी चाहिए थी लेकिन फिर भी, तो -800 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये सेट 1 के सोल्यूशन पूरे हो गए, अब इसके बाद सेट 2 के देखेंगे, तो ये आसानी क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। तो अब सेट 2 की सोल्यूशन देखते हैं, ये सेट 2 है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे हम लोग के। देखो पहले इस डायोड की कंडक्टिविटी स्टेट चेक करनी है, तो इसको ओपन सर्किट कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/8 × 2 कितना हो गया, ये दो चूंकि 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 वोल्ट। डायोड को कंडक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 0.7, और आया कितना है, 0.5, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये इसमें रहेगा ऑफ स्टेट में। तो I2 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली 2/8 कितना आ गया, 1/4 मिली एम्पियर, इसका मतलब 0.25,
ठीक है, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, लेकिन ये ऑन हुआ ही नहीं। देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितना गया, 1.5, तो ये कंडक्ट किया ही नहीं, कंडक्ट नहीं किया तो 2/8 0.25 mA, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें I1 की वैल्यू दी हुई है 1 mA, I2 की वैल्यू दी हुई है 100 μA, आपको R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो I2 इक्वल्स टू क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ लिखा होगा कि ट्रांजिस्टर परफेक्टली मैच, तो परफेक्टली मैच का कभी मतलब ये नहीं होता कि VBE सेम है, ये कभी मतलब होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि आई नोट सेम है दोनों का, ठीक है, आई नोट सेम है, VBE सेम नहीं है। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, VBE1 - VBE2/R, यहाँ पे VBE1 आ गया, यहाँ पे VBE2 है, तो VBE1 - VBE2/R, ये किसकी वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब आप सिंपली लिख सकते हो 1 mA इक्वल्स टू I0 × e^VBE1/VT, और यहाँ पे लिख सकते हो 100 μA इक्वल्स टू I0 × e^VBE2/VT। ठीक है, तो यहाँ से VBE1 - VBE2 कितना आ गया, VT × ln10। ठीक है, तो फिर I2 की वैल्यू कितनी आ गई, VT × ln10/R2। तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि I2 की वैल्यू आपको गिवन है 100 μA। ठीक है, तो ये सोल्व करने पे आ रहा है 598.67। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 598.67। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही ये आपको VBE1 - VBE2/R पूछेंगे, I2 दे देंगे या R दे देंगे, कुछ ही वैल्यू पूछेंगे। तो आपको ये सेम ये सभी क्वेश्चन लगानी है, VBE1 - VBE2 की वैल्यू निकालनी है, वहाँ से I2 की वैल्यू आएगी, वहाँ से R की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे पता होता है मिड बैंड गेन, जैसे एक कॉमन कौन सा दिया, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसका गेन किस तरह बनाते हैं आप, इस तरह ये होता है मिड बैंड गेन आपका, ये गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट है, गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी, ये होता है आपका मिड बैंड गेन। ठीक है, ये मिड बैंड गेन होता है, यहाँ पे इस वाली फ्रिक्वेंसी में जंक्शन कैपेसिटेंस सेक्शन में आते हैं, और इस वाली में पैरासिटिक कैपेसिटेंस आते हैं। इस जंक्शन नहीं बोलना चाहिए था इसको, ये क्या बोलते हैं, कपलिंग कैपेसिटेंस, कपलिंग कैपेसिटेंस सेक्शन में आते हैं, और इधर पैरासिटिक कैपेसिटेंस सेक्शन में आते हैं, और इस वाले सीन पे यहाँ पे मिड बैंड गेन में पैरासिटिक कैपेसिटेंस हो जाते हैं ओपन सर्किट, पैरासिटिक हो जाते हैं ओपन सर्किट, और ये कपलिंग होते हैं वो हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ये कुछ माइक्रो फेरड या फिर नैनो फेरड में होते हैं, और ये होते हैं पैरा फेरड, पिको फेरड में। ठीक है, उसके कारण ये ओपन सर्किट होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट होते हैं। एक पूरा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-6 मिनट का, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका ए आंसर आ गया। ठीक है, ओपन सर्किट होता है आपका पैरासिटिक कैपेसिटेंस, और कपलिंग और बाईपास कैपेसिटेंस होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। देखो यहाँ पे दोनों ही GM और GD की वैल्यू दी है, दोनों में ही VDS वेरी लेस दिया है, एक में तो 0 ही दे दिया, एक में वेरी लेस दिया है। तो अपने ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये लीनियर रीजन में, लीनियर रीजन में, तो लीनियर रीजन में करंट का इक्वेशन लिखो, µnCox(W/L)VGS - VT × VDS - VDS²/2। ठीक है, तो अब आपको पहले तो GM की वैल्यू लिखनी है, इसको मैं KL बोल दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो GM इक्वल्स टू क्या है, ∆ID / ∆VGS, तो वो क्या आएगा, KN × VDS। ठीक है, और GDS की वैल्यू क्या है, KN × VDS के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, यहाँ पे पहले GDS को लिख देता हूँ, VDS के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन करना है, ∆ID / ∆VDS, तो वो क्या आएगा, KN × VGS - VT, KN × VGS - VT, और माइनस का VDS, ये तो 0 है तो ये 0 में चला जाएगा, तो ये कितना गया, KN × VGS
वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। तो अब जी एम बाई जी डी एस कितना हो गया, ऊपर वाले का वी डी एस, इसको वी डी एस वन बोल देता हूँ और इसको टू बोल देता हूँ, तो ऊपर वाले का वी डी एस और नीचे वाले का वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। तो जी एम बाई जी डी एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/16, 1/16, ऊपर वाले का वी डी एस वैल्यू क्या है, 50 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट। इधर वी जी एस है 2 और वी टी आपको फाइंड करना है, 2 माइनस वी टी इक्वल्स टू 0.8, तो यहाँ से वी टी कितना आ गया, 1.2 वोल्ट। कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपने फॉर्मूला पे ध्यान रखो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, करंट का फॉर्मूला अपन को याद है, डिफरेंशिएट करके जी एम निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करके जी डी निकाल लेंगे, ठीक है। जी एम बाई जी डी का रेशियो ले लेंगे, क्योंकि के एन को अपन को इरेडिकेट करना था, तो वहाँ से रेशियो लेके वी टी की वैल्यू 1.2 फाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद इसका आखिरी है, तो इसको लास्ट में, हाँ ठीक है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपको, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज लगा है, इस यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, क्या लिखा है, वीसी बोल दो या फिर वी नोट बोल दो, तो उसका ये वेवफॉर्म दिया हुआ है, और इसमें ये रिपल आ रहा है, ठीक है। तो इस रिपल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, मैं इनपुट को एक बार सही से बना देता हूँ, -10 to 10 जा रहा है, हाँ -10 to 10 जा रहा है, सिमेट्रिक है, तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं इसको, ये वी इन है आपका विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये 10 है और ये नीचे है -10, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही इसके अक्रॉस 10 लगा, ये डायोड हो गया ऑन, और यहाँ पे आ गया वी सी 10 वोल्ट, तो इस तरफ आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। अब 10 से जैसे ही नीचे वैल्यू आएगी, तो ये तो अपना 10 होल्ड करके रखा, यहाँ पे आएगी 9.9, तो ये हो जाएगा ऑफ। तो इसके बाद अपना डायोड चल रहा है ऑफ, डायोड चल रहा है ऑफ, तो अब अपना सर्किट क्या बना, इवेंचुअली सर्किट बना वी सी, और यहाँ पे ये करंट आ रही है आई नॉट, तो ये अपना सर्किट बना इवेंचुअली, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 एम्पियर, ये कुछ है कैपेसिटर, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या था, 10 वोल्ट इस डायरेक्शन में था, अब ये 1 एम्पियर क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा, समझ रहे हो, 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा, फिर इस डायरेक्शन में चार्ज करेगा। तो अब वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इस डायरेक्शन में 10 थी, लेकिन इससे उल्टी डायरेक्शन में आई टी बाई सी से चार्ज होगा, क्योंकि 1/c इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी, आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, तो -it/c, ठीक है, क्योंकि आई क्या कॉन्स्टेंट है, 1 एम्पियर का करंट सोर्स कॉन्स्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में इससे चार्ज होगा, तो इसको लिख सकते हैं -10i की वैल्यू है, और ये सी है 475 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो अब ये इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, तो पहले तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया था अपना, अब वो उस डायरेक्शन में चार्ज होगा, तो वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, तो 10 वोल्ट से नीचे गिरेगी, धीरे धीरे गिरती जाएगी, एक पॉइंट आएगा, मान लो इस पॉइंट पे वैल्यू इतनी पहुंच गई, यही तो अपना रिपल है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, 10 माइनस माइक्रो, रिपल को माइक्रो नहीं सॉरी म्यू, 10 माइनस म्यू इस रिपल, तो यहाँ पे 10 माइनस म्यू है। अब जो इनपुट की वैल्यू आएगी आगे, वो 10 माइनस म्यू से ज़्यादा है, ठीक है, इनपुट की वैल्यू आपकी वो 10 माइनस म्यू से ज़्यादा है, तो ये वापस ऑन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब ये वापस ऑन हुआ, ठीक है, तो अब वापस ऑन हुआ, तो अब वापस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, वापस इस तरह चार्ज होगा, वापस ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, वापस आपका कैपेसिटर 10 वोल्ट पे पहुंच गया, 10 वोल्ट पे पहुंच गया, अब वापस आपका इनपुट कम पे लग रहा है, तो फिर वापस वही यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले टाइम में क्या सर्किट बन रहा है आपका, इस वाले टाइम में आपका ये सर्किट बन रहा है, ठीक है, इस पूरे टाइम में ये वाला सर्किट बन रहा है आपका, ठीक है। और इस दौरान जब ये चार्जिंग हो रही है, तब कौन सा सर्किट बन रहा है, तब आपका ये वाला सर्किट बन रहा है, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है।
जैसे ही 10 वोल्ट आ गया ना, उसके बाद तो इनपुट कम ही होता जा रहा है। जैसे इनपुट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आपका कैपेसिटर वापस दूसरी डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके कारण आपकी वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होती जाएगी तो वो नीचे गिरती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनपुट आपका ज़्यादा हो गया, जैसे ही आपका इनपुट ज़्यादा हो गया वापस आपका डायोड ऑन हो जाएगा, वापस डायोड ऑन होगा तो वापस वो इनपुट को फॉलो करेगा, फिर वापस आप 10 वोल्ट पे पहुंच जाओगे, उसके बाद वापस इनपुट गिरेगा आपका, तो वापस आपका डायोड ऑफ, वापस डिस्चार्ज, फिर वापस चार्ज, तो ये चलता जाएगा, तो ये रिपल आ गया इतना। तो अब देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का टाइम इन्होंने दिया है 1 मिली सेकेंड, आई गेस 1 मिली सेकेंड, ये टाइम इन्होंने दिया है 1 मिली सेकेंड, इतना टाइम दिया इन्होंने 1 मिली सेकेंड। तो आपका जो कैपेसिटर है, ये VCT जो आया, VCT जो आया कितना था, 10 माइनस T/475, 10 माइनस T/475 माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो ये आया आपका 10 माइनस, ये किसके इक्वल है, 10 माइनस μ के इक्वल है, और ये यहाँ से इतने टाइम तक मतलब डिस्चार्ज होगा इस तरह, ठीक है, इतने टाइम तक डिस्चार्ज होगा, तो 10 माइनस μ तो गिरेगा, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 475 अपॉन, ठीक है। तो अब म्यू क्या गया, T/475 माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो अब आपको टी की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से इससे आगे तक 1 मिली सेकेंड है, तो लेकिन पहले कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिली सेकेंड ही मान लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिली सेकेंड होगा, तो इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिली सेकेंड मान लिया, और नीचे 475 पर डिवाइड कर दिया, यहाँ से कितना आंसर आता है एक कैलकुलेट कर लेते हैं, 475 × 1000, 2.1, तो 2.1 वोल्ट, ये रिपल है आपका 2.1 वोल्ट, ये माइक्रो और म्यू से कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको माइक्रो रखते हैं, म्यू रखते हैं इसको। तो आपको समझ में आया, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी चार्जिंग वाली, ठीक है, कि दूसरी डायरेक्शन में चार्ज होता है तो रिपल गिरता जा रहा है। अब जितना गिर रहा है, कितना गिर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या होगा, जितना गिरा है वो क्या होगा, जो चार्ज आपको कांस्टेंट करंट सोर्स ने दिया, जो वोल्टेज आपको कांस्टेंट करंट सोर्स ने दिया है, वही वोल्टेज तो गिरा है आपका, ठीक है। यहाँ से 10 माइनस μ तक पहुंचे हैं, और इसकी वैल्यू अपन ने क्या की थी, VCT की वैल्यू अपन ने क्या की थी इस दौरान, 10 माइनस T/475 माइक्रो फेरेड, तो इस वाले पॉइंट पे ये एक्चुअली किसका है, एट टी इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड पे, ये एट T=1 मिली सेकेंड पे आप लिख सकते हो कि 10 माइनस μ 10 माइनस u पे आ गए हम, ठीक है। अपना वोल्टेज जो है VC का, ये V आउट एक्चुअली V आउट है, तो V आउटपुट अपना 10 माइनस माइक्रो पे आ गया है, ठीक है, 10 माइनस u पे आ गया है, तो उसकी वैल्यू को अपने इससे इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से अपना u का वैल्यू आ गया 2.1, ठीक है। सोचते तो आप सिंपली यही सोचते हैं, बस अपन को यही सोचना था कि जितना भी नीचे गिर रहा है, जितना भी रिपल आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, कॉन्स्टेंट करंट सोर्स के कारण जितना भी चार्ज मिल रहा है उसके कारण आ रहा है, और कॉन्स्टेंट करंट सोर्स के कारण कितना वोल्टेज मिल रहा है, वो मिल रहा है IT/C, I की वैल्यू 1, T/C की वैल्यू, ठीक है, वो किसके इक्वल है, अपने रिपल के इक्वल है, तो वहां से T की वैल्यू 1 मिली सेकेंड रखते अपने, और नीचे 475 माइक्रो रखते, और सिंपली U की वैल्यू आ जाती फिर, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इनिशियली ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट आया, V नेगेटिव की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -V सेट, में मान लेता हूँ कि हो सकता है +V सेट भी आ जाए, -V सेट भी आ जाए, तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ से अगर -V सेट आया तो ये जाएगा ब्रेकडाउन में, और यहाँ पे V0 की वैल्यू को बताया भाई कि +5 और -5 है, इसका मतलब VZ कितना है आपका, 5 है, ठीक है, ये जाएगा ब्रेकडाउन में, तो यहाँ पे कितना आया, -5, यहाँ पे -5 आया, तो यहाँ पे कितना आया, -1, ठीक है। तो ये 10 है, V नेगेटिव आपका 10 है, और V पॉजिटिव आपका -1 है, इसके कारण आपका आउटपुट जो आपने +V सेट माना था, सॉरी -V सेट जो माना था, -V सेट माना था, ये सही था। अगर +V सेट मान लेते, तो यहाँ +5 आता, +5 आता तो यहाँ पे 1 आता, तो यहाँ पे 1 आता, +5 मान लेते, हाँ यहाँ पे 1 आता, ठीक है, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 10 था, तो V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव था, तो उससे कारण आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था, -V सेट आना चाहिए था, लेकिन अगर आपने +V सेट माना होता तो वो गलत अजम्पशन होता, तो -V सेट माना था वो सही था, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे 10, तो ये सही अजम्पशन है। अब अपन को क्या करना है कि अपन को यहाँ पे इसको 10 से गिरा के -1 तक ले जाना है,
अगर आप माइनस वन से ऊपर ले जाओगे, माइनस वन पॉइंट वन ले जाओगे, मान लो माइनस वन पॉइंट जीरो वन ले जाओगे, तो इधर हो गया माइनस वन पॉइंट जीरो वन और इधर हो गया माइनस वन, तो वी पॉजिटिव आपका बड़ा हो गया वी नेगेटिव से। इस कंडीशन में वी पॉजिटिव आपका वी नेगेटिव से बड़ा हो गया, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस वी सेट। तो यही करना है अपन को, टाइम टेबल इक्वल्स टू टी वन व्हेन वी नॉट चेंजेज स्टेट। तो वी नॉट कब चेंज करेगा अपनी स्टेट, जब यहाँ पे माइनस वन वन यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, या फिर माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो अपन को माइनस वन ही लेके आना है। तो इस वाले इधर माइनस वन कैसे आ सकता है, देखो, क्योंकि अब ये कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में चार्ज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपका घटता जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हो, तो आप वी नेगेटिव का इक्वेशन लिख सकते हो। वी नेगेटिव का इक्वेशन कैसे लिखोगे, इनिशियली कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है, इसको इस तरह लिखते हैं, आगे अगले पेज पे लिखते हैं, वी नेगेटिव एट टी इक्वल्स टू जीरो कितना है, 10 वोल्ट, और वी नेगेटिव एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाए, प्लस लिखना सही नहीं रहेगा, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, -10, समझ रहे हो। देखो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये -10 यहाँ जाएगा, तो 10 था इनिशियली और जाएगा -10 पे। तो आप वी नेगेटिव टी की इक्वेशन लिख सकते हो, 10 था इनिशियली और -10 पे जाएगा, तो इसकी इक्वेशन 10 इनिशियली था और -10 पे जाएगा। देखो 10 इनिशियली था, 0 पे 10 आ गया और इन्फिनिटी पे कितना जाएगा, -10, या फिर वही फॉर्मूला लगा के लिख दो आप, वी सी इन्फिनिटी प्लस वी सी इन्फिनिटी माइनस वी सी जीरो इक्वल्स टू वी सी जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टू। ये मैं ऐसे जल्दी से सोच ही लिख देता हूँ, टी इक्वल्स टू जीरो पे कितना है, टी इक्वल्स टू जीरो पे कितना है, 10 है, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कितना है, -10 है। तो इस तरह की इक्वेशन आ गई, और अपन को इसको लेके कितने पे जाना है, -1 पे, ठीक है। तो -10 इंटू 20 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टू, इसको लेके जाना है -1 पे। तो यहाँ से आप टो की वैल्यू भी आपको पता ही है, टो की वैल्यू यहाँ से आर सी की वैल्यू देख लो आप, 10 to the power 4, और ये 10 to the power -4, तो टो की वैल्यू 1 sec है, तो टो इक्वल्स टू क्या है, 1 sec, ठीक है। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल देंगे, तो मैं देखता हूँ क्या है टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू आ रही है 0.79, या फिर इसको लिख सकते हो 0.80 सेकेंड, ठीक है। देखो ये आसानी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं किया, पहले अपन ने देखा कि यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के कारण अपना आउटपुट माइनस वी सेट आ रहा है, उसके कारण अपना वी पॉजिटिव का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आना है। तो अभी अपना 10 है, लेकिन अगर अपने इसको -1 तक गिरा दें या फिर -1 से नीचे ले जाएं, तब अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, -5 से +5 आ जाएगा, तो अपन को वही निकालना है। तो अपने ये इस वाले नोड की वी नेगेटिव की अपनी इक्वेशन लिख दी, ये इक्वेशन लिख दी -10 + 20 e^(-t)/2, फिर यहाँ से अपन को दिख गया कि -1 तक आने में अपन को 0.8 सेकंड लग गया, तो 0.8 सेकंड बाद अपना आउटपुट गिर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन है, यहाँ पे इस इनपुट की वैल्यू कितनी है, 25 mV, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25 mV लिख दो, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट कितना पार्ट आ रहा है, वी नोट बाई 16 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 30 mV माइनस वी नोट बाई 16 इंटू गेन ए, क्योंकि इस बार फाइनाइट गेन है, ठीक है, इक्वल्स टू वी नोट। क्या लिखा, वी पॉजिटिव कितना है 30 mV माइनस वी नेगेटिव कितना है, वी नोट बाई 16 इंटू गेन ए 100 इक्वल्स टू वी नोट, ठीक है। सिंपली ये इक्वेशन लगानी है, यहाँ से वी नोट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो देखता हूँ कितनी आती है। तो ये आती है 413.7 mV, तो ये आ गया 413.7 mV, ठीक है। हाँ, तो अब ये सेट टू के सोल्यूशन पूरे हो गए, अब सेट थ्री के देखेंगे, ओके। हेलो एवरीवन, तो अब इलेक्ट्रिकल के सोल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें वी इन अपॉन आई इन करना है, अपन को वी इन अपॉन आई इन का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वी इन है वर्चुअल शॉर्ट से, यहाँ पे वी इन आ गया, तो वी आउटपुट को आप वी इन के टर्म्स में लिख सकते हो, वी आउटपुट अपॉन आर टू अपो प्लस आर वन इक्वल्स टू क्या है, वी इन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ ठीक है, ये बाद में देखेंगे, और वी आउटपुट इक्वल्स टू एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, ये वाली आई इन करंट यहाँ से जा रही है, तो ये कितने का ड्रॉप बनाएगी, यहाँ पे आई इन इंटू जेड का ड्रॉप बनाएगी, आई इन करंट यहाँ से जा रही है, तो वी आउटपुट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, वी इन माइनस आई इन इंटू जेड, ठीक है। आप एक काम करो, आर टू अपॉन आर टू प्लस आर वन के पूरे टर्म को एक्स मान लो, इसको वी नोट एक्स इक्वल टू वी इन लिख दो। अब वी इन की वैल्यू यहाँ से, वी नोट की वैल्यू यहाँ से क्या गई, वी इन बाई एक्स आ गई, तो यहाँ पे वी इन बाई एक्स लिख दिया इक्वल्स टू वी इन माइनस आई इन जेड, ठीक है।
तो अब इसको पूरा सोल्व करोगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा बी माइनस जेड अपॉन माइनस जेड इंटू आर टू बाई आर वन। ठीक है, पूरा सोल्व करोगे इसको वी इन आई एन के टर्म में मैंने इक्वेशन लिख दी, आर टू को आप फिर बाद में एक्स को आर टू से रिप्लेस कर देना, आर टू अपॉन आर टू प्लस आर वन से सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस जेड अपॉन आर टू बाई आर वन। अब इसको चेक करने का एक और तरीका क्या है, देखो अगर आप आर टू की वैल्यू को जीरो रखोगे, आर टू की वैल्यू जीरो रख दो, ये जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो वी इन अपॉन आई इन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, क्योंकि वी इन ही जीरो बन गया, क्या गई जीरो, मतलब आर इन क्या आ गया जीरो आ गया। कब आया ये, जब आर टू जीरो है, जब आर टू जीरो है जीरो आया यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये जीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वी इन अपॉन आई इन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, कब आया ये आर टू जीरो होने पे, तो किसी भी एक्सप्रेशन में देख लो आर टू जीरो होने पे जीरो कब आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो ये आंसर है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, या फिर अगर जल्दी से क्लिक कर जाए तो ऐसे सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि एम सी की टाइम क्वेश्चन है ना, ये जीरो रखा जीरो 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 आ गया बस। ठीक है, हाँ ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आर टी एच की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो यहाँ पे पी से एन की तरफ बी बी ई, यहाँ पे ये बना है 0.7 वोल्ट का। ठीक है, 0. वी बी की वैल्यू 0.7 है, आपको आर टी एच फाइंड करना है। आर टी एच में क्या करते हैं, सारे जितने भी इनपुट सोर्स होते हैं उन सबको शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, इसमें ये भी जीरो में जाएगा, दिस वुड ऑल्सो गो टू जीरो, क्योंकि अगर यहाँ से अपने सोल्व करेंगे इसको वी टी एच बना, यहाँ से अपने आई डी सी करंट निकालेंगे, ये इसको भी वी डी सी बोल दो, तो आर टी एच क्या आएगा वी डी सी बाई आई डी सी। अगर इसको 0.7 को अगर अपने जीरो में नहीं डालते हैं तो फिर ये क्या बोलते हैं, तो फिर अगर नहीं डालते हैं तो फिर ये लास्ट में एक टर्म बच जाएगा, पूरा डी सी टर्म बच जाएगा, जो कि अपन को नहीं चाहिए, अपन को वी डी सी और आई डी सी में पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसको भी जीरो में डालेंगे। ठीक है, जितने भी डी सी सोर्स होता है एक तरह के डी सी सोर्स की तरह ही है, उन सबको शॉर्ट करेंगे, इसको भी शॉर्ट किया, इसको भी शॉर्ट किया, इसको भी शॉर्ट करेंगे, इसको भी जीरो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी डी सी है, तो यही वी डी सी यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे अब सिंपली केवीएल लगाना है, केवीएल केसीएल, वी डी सी बाई 10K, ये वाली करंट वी डी सी पे लगा रहे हैं अपने, प्लस वी डी सी बाई 1K इक्वल्स टू आई डी सी, वी डी सी बाई 10K प्लस वी डी सी बाई 1K इक्वल्स टू आई डी सी। ठीक है, तो 1.1 वी डी सी, 1.1K इंटू वी डी सी इक्वल्स टू आई डी सी, तो आर टी एच कितना आ गया 1/1.1K। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, इसको 1.1M लिखा जाएगा ना, 1.1K नहीं लिखा जाएगा, 1.1M, तो इधर जाएगा तो अभी ये 1.1M में जाएगा, क्योंकि इसको मैं 0.1M लिख दिया, इसको भी 1M मिली लिख दिया, तो फिर यहाँ से आया 1.1M मिली आया ये, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 909.09। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 909.09। देखो आसान क्वेश्चन था, देखो क्या किया, वी डी सी अपॉन यहाँ पे वी डी सी माना, आई डी सी करंट निकाल दी, तो आर टी एच की वैल्यू अपनी ये होगी, अपन को क्या करना है सारे इनपुट शॉर्ट करने, ये शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट कर देंगे, बस दिमाग में ये रहेगा कि इसको करना है कि नहीं करना, तो इसको भी करना है। अब लोग को ये नहीं कहते कि भैया अगर आपने 0.7 को ही शॉर्ट कर दिया तो फिर इसमें ये तो कट ऑफ में चला जाएगा, नहीं हम आर टी एच निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक मेथड है ना, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं अपने, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि वी बी की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर तो करंट ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो करंट जीरो होने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, अपने केवल इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो वी डी सी बाई 1K प्लस वी डी सी बाई 10K इक्वल्स टू आई डी सी, यहाँ से सोल्व किया तो आर टी एच की वैल्यू आ गई 909.09। ठीक है, तो ये आर टी एच आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्या आएगा, खत्म हो गए, ये आई एन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई एन का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, सो गेट 11 की सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ फिल्टर बताना है, तो इसमें देखो ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे ये जीरो इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा, जीरो इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा तो नेगेटिव फीडबैक एक्शन में आएगा, पूरा नेगेटिव फीडबैक एक्शन में रहेगा, तो ये पूरा करंट इससे पास होगा, इस इंडक्टर से पास होगा, पूरा करंट, पूरा आई आई करंट इसमें से पास होगा। ठीक है, और ये जीरो ट्रेवल करता हुआ वी नोट तक पहुँच जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे वी नोट आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट सर्किटेड हो गया, तो फिर ये जीरो वी नोट पे पहुँच गया। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देख लो, ये इनफाइनाइट इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइट इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से पूरी करंट फ्लो हो जाएगी आई वन, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये पूरी आई वन करंट इस आर रजिस्टर से फ्लो होगी, तो आपका वी नोट आएगा आई वन आर वन। तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे आपको जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब
ये हाई पास फिल्टर को, ठीक है। इसमें देखो आपको फ्रिक्वेंसी पूछा है ओमेगा इक्वल्स टू 10 मेगा रेडियन पे क्या रहेगा, तो जरा आप एक बार इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी चेक करो इस आरएलसी सर्किट की, क्या होगी, 1/√LC होगी, ठीक है, 1/√LC 10⁻⁵ × 10⁻⁹, तो ये हो गया 10 मेगा रेडियन ही आ रहा है। इसका मतलब 10 मेगा रेडियन पे ये आपका रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस पे जो आरसी सर्किट होता है उसका जो इम्पिडेंस होता, आरएलसी सर्किट जो होता है उसका जो इम्पिडेंस होता है एट रेजोनेंस वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंस, है ना, ये मैक्सिमम होता है। और ये क्या काम कर रहा है, एज ए लोड काम कर रहा है, ठीक है। और गेन का मैग्नीट्यूड, ये कौन सा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, वी नोट बाई वी इन माइनस GM इंटू आर लोड। तो जब आर लोड आपका मैक्सिमम हो रहा है तो आपका गेन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखो हमने क्या देखा कि ये जिस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है ना उस फ्रिक्वेंसी पे ये वाला रेजोनेंस में, ये RLC सर्किट, ये RLC पैरेलल RLC सर्किट रेजोनेंस में, और पैरेलल RLC सर्किट रेजोनेंस पे मैक्सिमम इंपेडेंस प्रोवाइड करता है। अब वो मैक्सिमम इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो मैक्सिमम इंपेडेंस आपके जाके लोड पे लग रहा है। अब लोड पे आपका मैक्सिमम इंपेडेंस है तो इसका मतलब आपका गेन का फॉर्मूला क्या है, माइनस GM इंटू आर लोड। तो अगर लोड की वैल्यू सब ज़्यादा है, मतलब लोड इंपेडेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका गेन भी ज़्यादा है, तो फिर क्या हुआ, मैक्सिमम गेन हुआ, ठीक है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ऊपर 0.5 मिली एम्पीयर का करंट सोर्स लगा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस फाइव है, यहाँ पे माइनस फाइव है, तो इधर कितना है, -5.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपकी VB की वैल्यू है -5, VC की वैल्यू है -5, VE की वैल्यू है -5.7, और VC की वैल्यू जब ये स्विच ऑन हुआ है उसमें यहाँ पे कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट, तो VC की वैल्यू है 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN, ठीक है, P2N N2P, ठीक है। तो ये है P, ये है N और ये है N, ठीक है। तो ये है आपका जो इमिटर जंक्शन है वो है आपका फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो ये कलेक्टर जंक्शन है वो है आपका रिवर्स बाइस्ड। तो अभी ये किस में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, ठीक है, अभी ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, -5.7 -10, तो यहाँ पे कितनी, 1 mA करंट आ रही है, ठीक है, और ऊपर से आ रहा है 0.5 mA, तो इसका मतलब यहाँ से 0.5 mA करंट जा रहा होगा, ये अब 0.5 mA करंट जा रहा है, इसका मतलब आपका कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा। अब कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा तो फिर कैपेसिटर पे वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ेगा प्लस माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कलेक्टर जंक्शन है VC का वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब वो VC का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मान लो वो -5.1 हो गया, तो जो आपका कैपेसिटर, जो आपका कलेक्टर जंक्शन है, जो आपका कलेक्टर जंक्शन है वो क्या क्या चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, इसका मतलब आपका BJT सेचुरेशन में चला जाएगा। देखो अपन ने इनिशियल कंडीशन देखी, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, VB का वैल्यू -5 है, VE का वैल्यू -5.7 है, और VC का वैल्यू 0 पे है। ये आपका जो इमीटर जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ पे आपका जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, ये कंडीशन है आपकी एक्टिव रीजन की, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से 0.5 mA करंट आ रहा है, यहाँ से 1 mA करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब बचा हुआ 0.5 mA इस कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है। अब जब 0.5 mA इस कैपेसिटर से फ्लो होगा तो वो इसे इस डायरेक्शन में चार्ज कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका मतलब आपके VC का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब VC का वैल्यू बढ़ता गया -5.1 पे पहुंच गया, तो N पे ज़्यादा नेगेटिव है और P पे कम नेगेटिव है, P पे -0.5 है और N पे -5.1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो जब कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है और इमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता है, जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं तो आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन सैचुरेशन की तरफ चला जाता है, तो उस समय सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा। तो मतलब बेसिकली अब ये 0.5 mA जो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, किस तरह वोल्टेज आएगा इसका, VC इक्वल्स टू -IT/C, कहीं करंट का क्या एक्सप्रेशन होता है, VC वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन होता है, IC(I.dt), जब आपका I कांस्टेंट है तो कितना आएगा, IT/C, और ये डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में है, तो इसको जो कलेक्टर जंक्शन का जो वोल्टेज है उसको क्या लिखा है, माइनस लिखा है, ठीक है। तो माइनस आई टी
आई का वैल्यू क्या है 0.5 मिली एम्पेयर, अपॉन कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है 5 माइक्रो, ठीक है। टाइम अपन को फाइंड करना है और किस वोल्टेज के इक्वल कर दें इसको, -5 के इक्वल कर दें, क्योंकि -5 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं आपका रिवर्स वाइज में चला जाए, फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा, -5.0001 होने पर भी आपका फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा, तो इसको -5 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो वहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 50 मिली सेकेंड्स, ठीक है। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ पूरा क्वेश्चन। देखो पहले हमने देखा कि अपना वी बी था 5 -5 वोल्ट पे, वी ई था -5.7 पे, और वी सी था 0 पे क्योंकि कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, इसके कारण आपका जो ट्रांजिस्टर था एनपीएन वो एक्टिव रीजन में था, क्योंकि आपका जो इमिटर जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था और जो कलेक्टर जंक्शन था वो रिवर्स बायस था, क्योंकि एन पे 0 लगा था जो कि हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ऊपर से 0.5 मिली एम्पीयर का करंट सोर्स लगा था, नीचे से 1 मिली एम्पीयर करंट जा रही थी, यहाँ पे अपने देखा कि यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर करंट है, तो बच गई कितनी करंट 0.5 मिली एम्पीयर करंट, वो कहाँ से आ रही होगी, ये इस पाथ से आ रही होगी। अब जब वो इस पाथ से आ रही है तो वो इस कैपेसिटर से भी गुजर रही है, अब जब वो इस कैपेसिटर से गुजर रही है तो इस कैपेसिटर को वोल्टेज डायरेक्शन में चार्ज करेगी, पहले 0 था अब वो इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, जब इस डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है तो उसके कारण कलेक्टर जंक्शन पे आपका पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में इतना बढ़ जाए वो -5.1 पे चला जाए, -5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो क्या होगा, आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। अब जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस में आ गया जंक्शन कैपेसिटेंस, इसका मतलब क्या हुआ, आपका इमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में है। अब जब दोनों फॉरवर्ड बायस में है तो उसके कारण आपका रीजन ऑफ ओरिजिन सैचुरेशन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वही अपन ने किया कि अब आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कब आपका -5 वोल्ट पे जाएगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज को -5 वोल्ट पे ले गए अपने IT/C का फॉर्मूला लगा कि -0.5 m/5 µT, तो वो टाइम होगा 50 मिली सेकेंड। तो ये था पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पे आपका जो VD है फोर, इसको मैं M2 बोल देता हूँ, इसको M1 बोल देता हूँ, 4 M2 आपका जो VD है VD इज ग्रेटर देन VG माइनस VT, क्योंकि VD की वैल्यू है 6 और VG की वैल्यू है 5 और VT का वैल्यू है 1, तो VD इज ग्रेटर देन VG माइनस VT, तो ये सेचुरेशन में, ठीक है। यहाँ पे और ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, तो ये भी ऐसे ही सेचुरेशन में है, तो दोनों सेचुरेशन में है, दोनों में करंट सेम ही जाएगी क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं, दोनों में करंट सेम जाएगी, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हो, आप दोनों का म्यू एंड CUX तो सेम है, फिर भी लिख देते हैं 100 माइक्रो इंटू ऊपर वाले का W/L कितना है 4/2, उसका VGS कितना है 5 -VX - VT का होल स्क्वायर, इधर कितना 100 माइक्रो, इसका W/L 1 ही है, इसका VG - VT कितना है VX - 1 का होल स्क्वायर / 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से VX का वैल्यू आएगा 3 वोल्ट, ठीक है, तो ये 3 वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, और ये दोनों सैचुरेशन रीजन में थे तो दोनों में करंट की इक्वेशन लगा दी, अपन ने रीजन ऑफ ऑपरेशन चेक कर लिया, करंट की इक्वेशन लगाई, वहां से भी इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पहले IDC करंट फाइंड करनी है, तो देखो 12.7 का DC सोर्स लगा, DC वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको शॉर्ट कर दो आप, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, केवल 12.7 को देखना है, तो ये सभी ऑन हो जाएंगे, ये सारे ऑन होके 0.7, 0.7, 0.7 और 0.7, तो 2.8 बना, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, यहाँ पे 2.8 और यहाँ पे 12, तो ये कितना बन गया 9.9/9900, तो कितना करंट बना 1 मिली एम्पी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 1 मिली एम्पी। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या है कि आपके पास ये इनपुट सिग्नल है जिसकी पीक टू पीक वैल्यू 6 है, तो ये +3 -3 +3 -3 ऐसा इनपुट सिग्नल है, देखो आप यहाँ देख पा रहे हो +3 -3 +3 -3, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये नॉइज ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसी सेम फ्रीक्वेंसी का आउटपुट चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी आउटपुट, तो आप वो कैसे लेके आओगे, तो ये सजेस्ट कर रहे हैं आप क्या करोगे, जो अपना सिग्नल प्लस नॉइज है
उसको आप स्मिथ ट्रिगर में डालोगे, ठीक है, और वो आपको सिग्नल, सेम सिग्नल नहीं देगा, सिग्नल लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम सिग्नल जरूरी नहीं है, आप उसी फ्रीक्वेंसी का आउटपुट दे दो बस, मतलब इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसी सेम फ्रीक्वेंसी का आउटपुट चाहिए आपको, ये इन्होंने कहा है। तो अब ये बताओ कि स्मिथ ट्रिगर करता क्या है। जैसे स्मिथ ट्रिगर में दो टर्म होती है, वी यूटीपी होता है और एक होता है वी एलटीपी। यूटीपी का क्या मतलब है, देखो जैसे स्मिथ ट्रिगर का एक छोटा सा सर्किट भी बना लेते हैं पहले, ये माइनस प्लस पॉजिटिव फीडबैक है इसमें, गलत बना दिया इसको, पॉज करके बना देता हूँ। तो अपने इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर लेके चल रहे हैं और यहाँ पे एक ये वी रेफ होता है, ये वी रेफ ही वी यूटीपी बनता है और वी एलटीपी बनता है। वी यूटीपी का क्या मतलब होता है कि अगर आपके ये है इनपुट की वैल्यू और ये है आपका आउटपुट, कि अगर आपके इनपुट की वैल्यू, अगर आपके ये है मान लो ये है आपका वी यूटीपी, ठीक है, अगर आपके इनपुट की वैल्यू वी यूटीपी से ऊपर चली गई, क्योंकि अपन ने इन्वर्टिंग वाला लिया, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर लिया है क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है, अगर इनपुट की वैल्यू वी यूटीपी से ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पे वी यूटीपी लगा तो आपका आउटपुट माइनस वी सेट आ जाएगा और उससे पहले आपका आउटपुट प्लस वी सेट चलेगा, ठीक है। तो वी यूटीपी ये बताता है कि उससे पहले आपका जो आउटपुट है, जब इनपुट की वैल्यू वी यूटीपी से कम है तब आपका आउटपुट प्लस वी सेट चलेगा। अब आप वी यूटीपी से ऊपर जा रहे हो, इनपुट की वैल्यू वी यूटीपी से ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे आप ऊपर लेके गए वी यूटीपी से तो आपका आउटपुट माइनस वी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस वी सेट था और फिर माइनस वी सेट आ गया, तो ये होता है, ठीक है। और एलटीपी का क्या मतलब होता है, ये आपका वी एलटीपी। तो एलटीपी का मतलब है कि आपने जैसे ही ये वी इनपुट की वैल्यू, इससे जैसे आपकी वी इनपुट की वैल्यू वी एलटीपी से कम है, जब वी एल टी पी से कम है तब आपका आउटपुट प्लस वी सेट रहेगा, आराम से प्लस वी सेट रहेगा, क्योंकि आपके वी इनपुट की वैल्यू यहाँ से वी एल टी पी जो आ रहा है, वी एल टी पी, तो आपके जो इनपुट की वैल्यू है, अच्छा ये मैं ग्राफ थोड़ा सा डायरेक्शन गलत बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने यहाँ से इस तरफ जाएंगे ना, क्योंकि अगर आपकी वी यू टी पी की वी आपके इनपुट की वैल्यू आपके लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट से एल टी पी से अगर ज़्यादा है, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू आपके लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट माइनस वी सेट पर रहेगा, क्योंकि आपके नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू ज़्यादा है तब आपका आउटपुट माइनस वी सेट पर रहेगा। मतलब जब एलटीपी की बात होती है तो हम कम करने की बात करते हैं, तो हम ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं, तो हम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, नीचे गिरते गए इनपुट की वैल्यू, अपन ने हमेशा अपने जो इनपुट की वैल्यू है वो हमेशा अपने एलटीपी से ज़्यादा रखी, और अगर ज़्यादा रखी तो अपना आउटपुट माइनस वी सेट आएगा, ठीक है। लेकिन जब एलटीपी से भी नीचे गिरा दी, जब और ज़्यादा नीचे गिरा दी, जब वी नेगेटिव की वैल्यू और ज़्यादा नीचे गिर गई, तब आपका आउटपुट प्लस वी सेट आ जाएगा, तब आपका आउटपुट प्लस वी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूटीपी एलटीपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हिस्टेरेसिस बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये करना है, तो अभी ये डिफाइन करना है कि अपने यूटीपी और एलटीपी कितना रखें। तो ये देखो, अब ये देखो इस साइकिल के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम लिखना सही रहेगा, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है। देखो मिनिमम कितना जाएगा, 3 है माइनस 1, इस वाले पॉइंट पे देखो कितनी वैल्यू है, 3 माइनस 1 कितना है, 2, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3 +7, इस वाले पॉइंट पे वैल्यू बताओ 3 + 7 कितना, 10। आपका इनपुट वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में 2 से 10 जा सकता है, और इस साइकिल में मिनिमम कितना जा सकता है, -3 और -7, इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है, -10, और मैक्सिमम कितना जा सकता है इस साइकिल के अंदर, -3 और नॉइज आई है +1 का, -3 +1 का नॉइज है,
तो ये जा सकता है -2 पे, ठीक है। तो अगर आपने इतना सोच लिया तो काफ़ी बढ़िया सोचा। तो अब देखो, अब थ्रेश होल्ड की वैल्यू बतानी है अपन को। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं मेरे लोअर थ्रेश यूटीपी को 2 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपने आपकी इनपुट की वैल्यू, अगर आपकी इनपुट इनपुट क्या है अपना, ये है 2 से 10 और -10 से 2, तो अगर अगर आपने इनपुट की वैल्यू 2 से ऊपर लगा दी, अगर इनपुट की वैल्यू 2 से ऊपर लगा दी तो मेरे को आउटपुट -20 सेट दे देना, अगर 2 से कम लगी है तो आउटपुट आप +20 सेट रखना, ठीक है। तो बताओ, पॉजिटिव साइकिल में आपकी वैल्यू 2 से नीचे आ सकती है? नहीं आ सकती, तो आपका आउटपुट +20 सेट तो आ ही नहीं सकता। 2 से ऊपर जरूर आ सकती है, 2 से ऊपर जरूर आ सकती है, क्योंकि 2 से 10 है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट हमेशा -20 सेट ही आएगा, हमेशा -20 सेट आएगा हर कंडीशन में। अब मैं LTP की वैल्यू -2 सेट कर देता हूँ, LTP की वैल्यू -2 सेट कर देता हूँ, -2 सेट किया। अब मैं कह रहा हूँ कि -2 से अगर आपने नीचे वैल्यू लगाई तो मेरे को आउटपुट +20 सेट दे देना, और अगर -2 से ऊपर लगाई तो मेरे को आउटपुट -20 सेट दे देना। देखो, मैं -2 से नीचे, ये सारी वैल्यू -2 से सारी नीचे है तो मेरे को +20 सेट दे देना, तो वो हमेशा ही +20 सेट आएगा, ठीक है। और आप -2 से कभी ऊपर लगा सकते हो, -1 0 इसमें नहीं लगा सकते कभी, तो हमेशा ही आपका आउटपुट +20 सेट रहेगा, हमेशा ही आपका आउटपुट -20 सेट रहेगा, समझ गया। अगर मान लो आप इसकी वैल्यू -10 सेट कर देते, आप क्या बोलते कि -10 से अगर नीचे लगाऊंगा तो मेरे को आउटपुट +20 सेट देना, और -10 से ऊपर लगाऊंगा तो मेरे को आउटपुट -20 सेट देना, ठीक है। तो अगर इस वाले कंडीशन की बात करें, आप -10 से ऊपर लगाओगे, ठीक है, -2 तक भी बात बनेगा, लेकिन अगर -1 आ गया तो, अगर 2 आ गया तो, 3 आ गया तो, ये सब भी तो +20 सेट दे देंगे आपको, लेकिन आपको इस रेंज में ही रखना है, तो इस रेंज में रखने के लिए आपको -2 लगाना पड़ेगा। अभी बात समझ रहे हैं, -10 से बड़े तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, समझो। आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट -2 होना चाहिए, आपकी क्या क्या वैल्यू चाहिए कि 10 2, -2, -10, ये मिडल वाले दो आपके थ्रेशोल्ड पॉइंट होने चाहिए, जो डिसाइड करे 2 से ऊपर का सारा, -2 से नीचे का सारा, तो ये आपके थ्रेशोल्ड पॉइंट होने चाहिए। तो यूटीपी होगा आपका +2, LTP होगा -2, ऐसे ही -10 के लिए सोचिए, ऐसे ही आप 10 के लिए भी सोचिए कि अगर मैं यूटीपी 10 रख देता तो क्या हो जाता, तो उसमें 10 से कम वाली वैल्यूज में ये सारी वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो इससे कारण आपको आउटपुट अगर ऐसा चाहिए -V सेट, फिर -V सेट, +V सेट, तो ये सेम फ्रिक्वेंसी का, मतलब इतने पूरे साइकिल में -V सेट आएगा, इतने पूरे साइकिल में +V सेट आएगा, तो अपन को फ्रिक्वेंसी सेम रखनी थी, एम्पलीट्यूड तो अपने सेम कर ही देंगे। एम्पलीट्यूड सेम करने के लिए क्या करेंगे, अपने वी सेट की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है, वी सेट की वैल्यू 3 रख दी, फिर उसके बाद एक इन्वर्टर लगा के उसको इन्वर्ट कर देंगे, तो सेम सिग्नल वापस आ जाएगा और नॉइज इसमें से हट जाएगी। अपन क्या करेंगे, पहले ये स्मीटर का सेम अप्लाई करेंगे जिसमें सैचुरेशन वोल्टेज को 3 रख देंगे, उससे क्या होगा, इन्वर्टर सिग्नल आएगा, फिर उसके आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे, किससे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा देंगे एक, जिसका गेन 1 रख देंगे, वो इन्वर्ट करके अपन को सेम सिग्नल दे देगा। तो इस तरह के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इस तरह दिमाग भी लगाना है, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार वापस सोचिए, आप भी वापस समझ के देखिए, ओके, थैंक यू। तो इसमें आपकी इसकी वैल्यू अप्लाइड है 1 sin 300 t +36 degree, और ये अप्लाइड है 1 sin 3000 t, ठीक है। तो मैं V1 V2 को बना लेता हूँ, पोज करके बना लेता हूँ। देखो तो कुछ इस तरह है V1 V2, अपने V1 था आपका साइन जितना भी फ्रिक्वेंसी हो +36 degree, मतलब जो वैल्यू जीरो पे आनी, जो जीरो पे वो वैल्यू आएगी जो 36 degree पे आती है, मतलब ये 36 degree आगे है, तो 36 degree पहले से स्टार्ट होगा और ये इस तरह स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको कंपैरेटर से पास कर रहे हैं, V1 को इस वाले कंपैरेटर से पास कर रहे हैं, V2 को इस वाले कंपैरेटर से पास कर रहे हैं, तो अपने रिस्पांस तो कंपैरेटर का यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जीरो से। तो अब देखो ये यहाँ पे इसको पाई लिख दिया, ये गलत किया मैंने, देखो ये इतना पूरा पाई होता है, ये इतना पूरा पाई है, तो ये क्या होगा, पाई -36 degree होगा, और ये पूरा 2 पाई होता है, तो ये क्या होगा, 2 पाई -36 degree होगा, है ना। अब V0 1 V0 2 बना लेते हैं,
देखो ये विनोद टू के लिए बना रहे हैं। ये हो गया वी नोट वन और ये हो गया वी नोट टू के लिए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो जब वी वन पॉजिटिव होगा मतलब जीरो से बड़ा होगा तब तो आपका आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट, ठीक है। और जब जीरो से छोटा होगा तब तो आएगा माइनस वी सेट। तो ये बात बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ आया ये प्लस वी सेट, ये प्लस वी सेट और ये माइनस वी सेट, लेकिन ये कब तक जीरो से बड़ा रहेगा, पाई माइनस 36 डिग्री तक। तो ये कितना है, मैं इसको डिग्री में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पाई माइनस 36 डिग्री, ये हो गया 2 पाई माइनस 36 डिग्री, ये कितना हो गया, ये पाई हो गया और ये हो गया 2 पाई हो गया। तो अपने एक साइकिल के लिए देख लेते हैं, पाई से 2 पाई, जीरो से 2 पाई तक। देखो ये पाई माइनस 36 डिग्री के लिए हाई था, पाई माइनस 36 डिग्री के लिए इतने टाइम के लिए। तब यहाँ पे वन प्लस प्लस वी सेट रहा, ये यहाँ पे जीरो रहा, ठीक है। यहाँ पे प्लस वी सेट, यहाँ पे जीरो, ऐसे ही ये पूरे टाइम पाई तक के लिए हाई था। तो पाई के लिए प्लस वी सेट रहा, आगे वाले के लिए माइनस वी सेट रहा, ठीक है। अब ये दोनों जा रहे हैं एक्सोर में, ये जा रहा है एक्सोर में। अब एक्सोर में जा रहा है तब एक्सोर का आउटपुट क्या है, ये मतलब ये क्या है, बेसिकली हाई है प्लस वी सेट और ये है लो। तो एक्सोर में क्या होता है, हाई और हाई एक्सोर हाई और लो एक्सोर लो, ये दोनों होते हैं जीरो। और जब हाई एक्सोर लो और लो एक्सोर हाई हो तब ये दोनों होते हैं वन, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। तब अब तो आप देख सकते हो आप कि वी नोट जो टोटल लो पास फिल्टर से पहले वाला वी नोट, इसको वी नोट डैश बोल देता हूँ मैं। तो वी नोट डैश क्या आएगा, तो ये वी नोट डैश ड्रॉ करते हैं। इसके दो ही आउटपुट पॉसिबल है, अरे यहाँ नहीं करना चाहिए था, यहाँ करना चाहिए था वी नोट डैश। वी नोट डैश ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हाई है तो जीरो आएगा, जीरो आया, ठीक है। उसके बाद एक एक हाई है और एक लो है तो क्या आएगा, वन आएगा। वन आएगा मतलब हाई आएगा, आउटपुट हाई आएगा। हाई का मतलब है प्लस फाइव, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस फाइव। तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए ये कितना डिफरेंस है, ये पाई माइनस 36 था और ये पाई था, तो ये कितना है, 36 डिग्री है, ठीक है। अब देखो पाई से आगे चलो, पाई से लेके 2 पाई माइनस 36 तक, मतलब यहाँ तक दोनों लो है तो लो आएगा। फिर 2 पाई माइनस 36 से लेके आगे 2 पाई तक, 2 पाई माइनस 36 से लेके आगे 2 पाई तक, ये क्या आया, हाई आया। तो ये इस तरह का अपना वेव फॉर्म आएगा, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, अपना एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो अपना आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। 36 डिग्री के लिए केवल पॉजिटिव हुआ, आगे वाली 36 डिग्री के लिए प्लस फाइव हुआ, आगे सब के लिए जीरो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस सिग्नल की, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा बाई 2 पाई, इसका मतलब 1000 अपॉन 2 पाई, ये कितनी हो गई, 477.46 हर्ट्ज़। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी भी यही है, 477.46। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़। तो देखो आप हर सिग्नल को, कोई भी सिग्नल होता है, आप उस सिग्नल को डीसी प्लस साइनोसॉइड्स में तोड़ सकते हो। ये सिग्नल सिस्टम में अपने बात पढ़ी थी डीसी प्लस साइनोसॉइड में, हर पीरियोडिक सिग्नल को, जो पीरियोडिक सिग्नल होता है, हर पीरियोडिक सिग्नल को आप डीसी प्लस साइनोसॉइड में तोड़ सकते हो। अब साइनोसॉइड की क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एफ नोट हो सकती है, 2F नोट हो सकती है, 3F नोट हो सकती है, 4F नोट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इनमें से कोई आए ना। तो अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, 466 समथिंग कुछ था, 466 हर्ट्ज़। फिर ये कितनी होगी, अराउंड 900 कुछ आ जाएगी, आगे इससे बढ़ती जाएगी, ठीक है।
अब अपने इस वाले सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, ये जो आया एक लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपन को दी हुई है 0.1 हर्ट्ज़, 0.1 हर्ट्ज़ ये अपन को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसकी, 0.1 हर्ट्ज़ अपने इसको इससे पास कर रहे हैं, और अपने ये देख रहे हैं कि डीसी प्लस साइनोसॉइड अपना जा रहा है 0.1 हर्ट्ज़ की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से, तो इसमें डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 0 हर्ट्ज़, और अपना जो दूसरा साइनोसॉइड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 466 हर्ट्ज़, और इधर कितना है 0.1 हर्ट्ज़, तो 466 हर्ट्ज़ तो कहीं यहाँ आएगा है ना, उसके आगे वाला कहीं यहाँ आएगा, तो ये सब सिग्नल तो पास ही नहीं होंगे, पास क्या होगा ओनली डीसी, केवल डीसी वैल्यू पास होगी, तो अपने फाइनल आउटपुट में क्या आएगा इसका जो डीसी वैल्यू है, ये बात समझ गया आप। आपने वेवफॉर्म बनाई है सिंपल कंपैरेटर के वेवफॉर्म, आपने ये बना लिए, आपका वी नो डैश ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको लो पास फिल्टर से पास कर रहे हो, आपने देखा लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज़, लेकिन अपना जो साइनोसॉइड है, जो अपना सिग्नल है उसमें डीसी प्लस साइनोसॉइड होगा, उस साइनोसॉइड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 466 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज़, फिर या फिर 900 होगी, फिर उससे बड़ी होगी, सारी बहुत बड़ी वैल्यू है, 0.1 हर्ट्ज़ काफ़ी छोटा है, तो ये केवल किसको पास कर पाएगा 0 हर्ट्ज़ को, मतलब केवल डीसी को पास कर पाएगा, तो केवल डीसी को पास करेगा, इसका मतलब इसका डीसी वैल्यू, इसका डीसी वैल्यू तुम लिख सकते हो, देखो उसका डीसी वैल्यू कैसे लिखोगे, वी नोट डैश का डीसी वैल्यू, जो कि वी नोट के इक्वल है, कैसे, ये 36 प्लस 36 72 डिग्री के लिए ऑन रहा है पूरे टाइम में, कितने में से 360 में से, और वैल्यू क्या है उसकी 5 वोल्ट, 72 डिग्री के लिए 5 वोल्ट रहा है, बाकी सबके लिए 0 रहा है, 72 के लिए 5 रहा है, बाकी सबके लिए 0 रहा है, तो इसको सोल्व कर लो, 36 दूनी बहत्तर 10 तो 1 वोल्ट, तो इसका डीसी वैल्यू क्या आ गया 1 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 वोल्ट, समझ गए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी था, क्या था इसमें कंपैरेटर के आउटपुट अपन को लिखने आते हैं, 36 डिग्री से लीड कर रहा था, तो ये इस तरह लिखा अपन ने, फिर इनके आउटपुट बनाए, इससे प्लस वी सेट माइनस वी सेट, तो ये हाई हाई आया तो लो दिया, और लो हाई आया तो हाई दिया, तो इस तरह बना लिया, तो अपन ने ये देखा कि 72 डिग्री के लिए ऑन था, तो इसका मतलब डीसी वैल्यू इसकी 1 वोल्ट थी अपने, और जो हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट थे उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही थी 466 900 इतनी कुछ ज़्यादा थी, और लेकिन अपना लो पास फिल्टर तो 0.1 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का ही था, तो 0.1 हर्ट्ज़ तो इससे पास, तो 0.1 हर्ट्ज़ से ये सब पास ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इसके कारण आपका जो आउटपुट आया वो केवल डीसी वोल्टेज आया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे सोल्व किया, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ अभी नीचे ही, तो आप वो देख लीजिए, तो उससे और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, ओके।